नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हमारी जो एडवांस सीरीज है उसके अंदर हम दो जो सब्जेक्ट हैं, या हम कहेंगे एक सिस्टम और एक जो सब्जेक्ट है उसको पूरा कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को जो OBG जो सब्जेक्ट है वो पूरा करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया। लगभग उसमें 22 क्लास थी हमारी, और लगभग शायद 7 से 8 जो क्लास है हमारी वो लगभग किसकी है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की है। तो दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक, OBG पढ़ चुके हैं, और अगर हम MSN की बात करें तो सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे बट एक सिस्टम उसका पूरा कर चुके हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दैट इज न्यूरोमस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, या न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये एक सबसे, मतलब अगर हम MSN की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले लिया था। इसके बाद में बच्चों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी कि सर नर्वस सिस्टम पढ़ाओ, नर्वस सिस्टम पढ़ाओ, क्या है नर्वस सिस्टम, बहुत ज़्यादा टफ है सर, इसको पढ़ाओ आप। तो न सिर्फ हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको मस्कुलर जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी इसमें दे रखा है, तो वो उसके साथ ही मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा क्लास, और आज हमारी पहली क्लास है ये इसकी, नर्वस सिस्टम की, हम कहें न्यूरोमस्कुलर जो स्केलेटन जो सिस्टम है उसकी पहली क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आज हम पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि ए नर्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि ए नर्स आइडेंटिफाइज, एक नर्स है दोस्तों वो आइडेंटिफाई करती है कि विच क्लिनिकल इंडिकेटर, कि कौन सा ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर है ऑफ पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस इन ए क्लाइंट अंडर स्ट्रेस, कि जो क्लाइंट कभी भी अगर स्ट्रेस के अंदर रहता है तो उसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक जो भी डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर हो गया कि पैरासिम्पेथेटिक जो सिस्टम है वो ऊपर छा जाता है। डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि कौन सा पैरासिम्पेथेटिक जो सिस्टम है उसका कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। तो इन यहाँ पर 4 इन्होंने सिम्टम दे रखे हैं, हमें इनमें से ये ढूंढना है कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है दोस्तों तो उस दौरान इनमें से वो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि दिखाई देता है। बस सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा इतना टफ है नहीं। तो चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर आता क्या है। नर्वस सिस्टम, नर्वस जो सिस्टम है दोस्तों उसके अंदर दो प्रकार के सिस्टम आते हैं, आप सबको पता ही है, जैसे कि एक आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो आता है दोस्तों दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनाटोमी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी मैं पढ़ाऊंगा वो इनफ रहेगी आपके लिए, उससे बाहर एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता है। कई बार हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं जो कि हमारे कोई काम का भी नहीं होता, तो वो थोड़ा सा खराब है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है दोस्तों, एक आता है आपका ब्रेन और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक आता है दोस्तों आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ये सब आपको पता ही होगा इतना तो, और एक आता है दोस्तों सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तो इसे भी हम आगे दो भागों में बांटेंगे, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा इसके अंदर आता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आती हैं, जिसके अंदर आती हैं आपकी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, जो कि कितनी होती है दोस्तों 12 होती हैं, 12 पेयर होती हैं, और दूसरी जो नर्व आती है दोस्तों दैट इज आपकी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल जो नर्व होती है वो कितनी होती है 31 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो हमें जो क्रेनियल नर्व उनके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो स्पाइनल नर्व की बात कर लेते हैं, तो 31 पेयर होती है, 31 पेयर होती है ये, जिनके अंदर 8 जो है सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, 5 ही सैक्रम होती हैं, सैक्रम भी 5 ही होती हैं, और जो कोक्सिक्स है दोस्तों वो कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो टोटल जोड़ो 8, 12, 20, 25, 31, तो टोटल जो स्पाइनल नर्व होती है दोस्तों वो कितनी होती है 31 पेयर होती है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो कि 8 क्रेनियल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 सैक्रम है, और 1 क्या है दोस्तों 31। तो इसलिए 31 पेयर होती है ये क्या स्पाइनल नर्व। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि स्पाइनल नर्व कितनी पेयर होती है, तो आपसे पूछ सकता है।
अब हमें बात यहाँ पर इसकी करनी थी, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर जो आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ऑटोनॉमिक हो गया दोस्तों तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनवॉलेंट्री। इसलिए हम इसे इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर इसे हम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव, हमारे कंट्रोल से बाहर है जो चीज, वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे और किस नाम से जानते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन सा सिम्टम्स है जो इसके अंदर आता है, कौन सा साइन है जो इसके अंदर आता है, जो इसमें नहीं आता है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कई सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसे हम एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो यहीं लिख देता हूँ फिर, तो मैं एड्रिनर्जिक सिस्टम, इसे हम एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम कोलिनर्जिक के नाम से भी जानते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो एड्रिनर्जिक और कोलिनर्जिक ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके द्वारा ये काम करते हैं, तो जो सिंपैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम आपसे पूछे तो उसका जो मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दोस्तों, दैट इज नोर एड्रिनलिन जो होता है वो इसका मेन क्या होता है दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नोर एड्रिनलिन एक हॉर्मोन भी होता है जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, जब मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाई है तो हमने बात भी किया था कि एड्रिनल जो मेडुला है वो दो हॉर्मोन सीक्रेट करती है, कुछ लोग कहते हैं तीन, डोपामिन भी करती है, बट दो हॉर्मोन तो मेन है ही, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन, या एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन। तो इसमें से नोर एड्रिनलिन जो है एक दोस्तों, ये क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो कि किसके लिए एक्टिवेट होता है दोस्तों, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पैरासिंपैथेटिक, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, तो एसिटाइल कोलिन याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, एसिटाइल जो कोलिन होता है दोस्तों, दैट इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बस सिंपल याद करो, टफ चीज मत याद करो, कोई भी चीज टफ नहीं है, बस सिंपल बनाते जाओ उनको। हमारा जो दिमाग है ना वो पता क्या कहता है, वो ये कहता है चाहे तुम कितनी भी टफ चीजें पढ़ो लेकिन मेरे अंदर जब डालो ना उसको, तब उनको बिल्कुल सिंपल बनाकर डालो, ठीक है। कोई भी चीज डालो लेकिन सिंपल बनाकर डालो, अगर आपने उसको टफ डाला तो मैं ज्यादा उसको रिटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मैं वोमिटिंग कर दूंगा, बाहर निकल जाएंगी सारी चीजें, याद नहीं होंगी। तो कोई भी चीज याद करनी है तो पहले उसको सिंपल बनाओ, फिर अपने माइंड को समझो कि मैं ये कहना चाहता हूँ एक स्टोरी की तरह, और फिर उसको बाद में आप उसको टफ से जोड़ो, तब वो चीज़ अपने माइंड में रिटेन रहेगी। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली टफ डाल रहे हो, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा तो वो चीज़ें याद नहीं होती है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ऐसे माना जाता है कि पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम वो दो चीज़ों के लिए काम करता है, डाइजेस्टिव एंड रेस्ट का जो सिस्टम है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब एक तो ये जो डाइजेशन जो है ना दोस्तों, उसकी सारी चीज़ों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बाकी सब चीज़ें डिक्रीज करता है, मेनली सब चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन हम याद रहने के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि डाइजेस्टिव की सारी चीज़ों को इंक्रीज करेगा, और एक एक्चुअली में जब रेस्ट जब बॉडी करती है तो रेस्टिंग का काम करता है ये, ठीक है। तो एनर्जी को कंजर्व करने का काम करता है रेस्ट करने, रेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि एनर्जी को सेव करने वाला वो सिस्टम है ये, एनर्जी को क्या करता है, सेव करता है, कंजर्व करता है एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज ही करेगा, जहाँ जहाँ नहीं होगा वो मैं आपको दिमाग में डालूंगा और आपको मैं वो याद करवाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें याद करनी नहीं है आपको, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, मैंने कहा है इंक्रीज ही करता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करे तो उसके रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है दोस्तों, डिक्रीज करता है। जब आपको मैं वेगस नर्व पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे भी बताऊंगा कि जो वेगस नर्व है इट ऑल्सो वर्क एज ए पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह भी काम करती है। जब हम क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे उसमें, जब हम वेगस जो नर्व है, दसवीं क्रेनियल जो नर्व, उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है दोस्तों, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। तो वेगस नर्व भी हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है। तो कैसे कम करती है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, और एसिटाइल कोलिन जो है वो ऐसे नोड के ऊपर काम करता है, ठीक है। जब आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो ना, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिज, प्रोकिनजे फाइबर्स, तो ऐसे नोड के ऊपर काम करेगा, और ऐसे नोड पर काम करके एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कम करने के कारण जो हार्ट रेट दोस्तों वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज, कुछ याद ही नहीं करना,
ठीक है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी, रेट को भी बढ़ाएगा और जो फोर्स है दोस्तों उसको भी बढ़ाएगा। तो दोनों चीजें करेगा, फोर्स भी बढ़ा रहा है और रेट भी बढ़ा रहा है, ये सब चीजें क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो हमें याद ही नहीं करनी, ये इंक्रीज है, इधर डिक्रीज है, इधर ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बीपी। बीपी के बारे में ध्यान रखना, ये इंक्रीज करता है, ये क्या करता है दोस्तों, डिक्रीज करता है। एक्चुअली में जो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दोस्तों, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन पेरिफेरल वेसल्स, इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। अब कभी भी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से हमेशा बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर डायलेशन होता है तो बीपी कम होता है, और अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, फोर्स बढ़ जाता है बीपी का, उससे लेना देना है, जितना सकड़ा होगा उतना फोर्स बढ़ जाएगा। तो बीपी भी फोर्स ही है, ब्लड का प्रेशर। ठीक है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है इसलिए। लेकिन फिर भी इसके दो एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा आप अच्छा पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं दोस्तों। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है, मतलब कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी की, क्या करवाता है, डायलेट करवाता है। यहाँ पर ये नहीं करवाएगा, डायलेट करवाएगा, डायलेशन या डायलेट करवाता है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वहाँ पर भी क्या करवाता है, डायलेट करवाता है। स्केलेटल जो मसल्स को जो वेसल सप्लाई करती हैं, जो स्केलेटल मसल्स को वेसल सप्लाई करती है ना, उनको डायलेट करवाता है। मसल्स को डायलेट नहीं करवाता, इनकी वेसल्स को, उनको क्या करवाता है, डायलेट करवाता है। बाकी सब कहीं क्या करवाएगा दोस्तों, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, इसलिए मैक्सिमम ये क्या करवाता है, बीपी को इंक्रीज करता है। तो ये भी ध्यान रखना कि बीपी को ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ये यहाँ पर बीपी को क्या कर रहा है दोस्तों, डिक्रीज कर रहा है। कुछ याद नहीं किया अभी तक भाई, क्या याद किया, कुछ नहीं याद किया, ये इंक्रीज किया है, इसने डिक्रीज किया बस, और कुछ याद नहीं करना। कार्डियक आउटपुट लो भाई, इधर इंक्रीज किया है, इधर डिक्रीज किया है, बस इंक्रीज डिक्रीज। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम में। भाई वही करो, ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। ठीक है, ब्रोंकाई के लिए दोस्तों ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है, ब्रोंको डायलेशन। यहां पर हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि नो ब्रोंको डायलेशन, नो ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई को क्या करवा रहा है दोस्तों, डायलेशन करवा रहा है, यहां पर ब्रोंको डायलेशन नहीं करवा रहा है, बस इतना लिखो, कॉन्स्ट्रिक्शन मत लिखना यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जीआई ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या करेगा, ये जीआई ट्रैक्ट का हार्मोन है, तो जीआई ट्रैक्ट में ये चीजों को इंक्रीज करेगा। बाकी सब कहीं क्या कर रहा है, डिक्रीज, सॉरी हाँ, बाकी सब कहीं डिक्रीज कर रहा है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें सब कहीं क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जीआई ट्रैक्ट में वहां क्या होंगे, डिक्रीज, बस कुछ याद नहीं करना, हो गया। मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, तो ये दोस्तों पेरिस्टालसिस को क्या करेगा आप बताओ, कम करेगा। भाई जीआई ट्रैक्ट में आपको उल्टा याद रखना है ना, जितने भी सीक्रेशंस होते हैं, मतलब कि जितने भी जो ग्लैंड्स जो होती हैं उनके जो सीक्रेशंस होते हैं दोस्तों, उसको क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, इसके बाद है स्पिंक्टर। देखो अब स्पिंक्टर से रिलेटेड बार बार आएगा, फिर भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो कोई भी स्पिंक्टर है, जैसे यहां से मान लो कार्डियक स्पिंक्टर मान लो, ठीक है, क्रिकोइसोफेजियल स्पिंक्टर मान लो, पाइलोरिक स्पिंक्टर मान लो, कोई भी स्पिंक्टर लो आप, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके और आप कंफ्यूज होगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ में आप कंफ्यूज रहो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्पिंक्टर है, इस स्पिंक्टर में दो चीज़ें होती हैं, स्पिंक्टर और मसल्स में दो चीज़ें याद रखनी है आपको। स्पिंक्टर के अंदर दो चीज़ें होंगी दोस्तों, क्या तो स्पिंक्टर रिलैक्स रहेगा या फिर स्पिंक्टर के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्शन। अब कॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, बंद होना। कॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बंद होना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्लोज, ऐसे याद रख लो, कॉन्स्ट्रिक्शन मीनिंग क्लोज, ऐसे याद भी रहेगा आपको। ठीक है, और रिलैक्स का मतलब ओपन, रिलैक्स का मतलब क्या है दोस्तों, ओपन। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ये बहुत काम का है। ठीक है, कैसे काम का मैं बताऊंगा आपको। अब मान लो ये कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा तो क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा दोस्तों तो कोई भी चीज यहां पर क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, क्योंकि आगे नहीं जाने देगा ये। ठीक है, और अगर मान लो दोस्तों ये रिलैक्स हो गया तो ये क्या करवा रहा है दोस्तों, इसको ओपन कर रहा है, क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। जब अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई जीआई ट्रैक्ट की हर चीज को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है, पेरिस्टालसिस को बढ़ा रहा है, तो मतलब पेरिस्टालसिस आगे भेजने का काम करती है, तो उसको रोकने का काम कर रहा है ना, सीक्रेशंस को कम कर रहा है। अब आप एक बात बताओ कि जो स्पिंक्टर्स हैं उनको क्या करेगा ये, स्पिंक्टर्स को क्या करेगा ये, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा या उसका रिलैक्सेशन करेगा, सॉरी हाँ कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, रिलैक्सेशन मतलब बंद करेगा या उसको खोलेगा, सीधी सी बात है कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि ये हर चीज को रोक कर देरी कर रहा है ना, ये
कर नहीं रहा है, कम करवा रहा है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। रिलैक्स का मतलब आगे जाओ, रिलैक्स का मतलब क्या हो गया, आगे जाओ, लेकिन ये कॉन्स्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल्स, मसल्स जो होती है ना उनमें भी दो ही टर्म आते हैं, फिर कंफ्यूज हो गया आप, लेकिन वहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन आता है न कि कॉन्स्ट्रिक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन आता है और एक क्या आता है दोस्तों, रिलैक्सेशन आता है, एक क्या आता है रिलैक्सेशन। अब जहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा इसका मतलब कि वो मूवमेंट कर रही है मसल्स, और मूवमेंट करो कि किसी भी चीज को आगे भेजने का काम करती है। जब हम ओबीसी पढ़ते हैं वहां भी हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण डायलेशन होता है, वे भी आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन होगा तो मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रही, आराम कर रही है मसल, मसल क्या कर रही, आराम कर रही, कोई काम नहीं कर रही। अब आप एक बताओ यहां पर कुछ काम नहीं करना, कम करना है ना, तो यहां पर क्या होगा, स्मूथ मसल्स का क्या होगा दोस्तों, यहां पर रिलैक्सेशन होगा, स्मूथ मसल्स का क्या होगा यहां पे, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। और गॉल ब्लैडर का भी क्या होगा, रिलैक्सेशन ही होगा, क्योंकि ये भी मसल की तरह काम करेगा ना, तो यहां पर रिलैक्सेशन होगा। अब उल्टा आ जाओ इधर भाई, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सीक्रेशंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्फिंक्टर को इसने कॉन्स्ट्रिक्स किया, बंद किया, ये उसको रिलैक्स करेगा, भाई खुल जा, आगे जा, कंटेंट क्या जाएगा, आगे जाएगा, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और ये यहां पर क्या करवाएगा दोस्तों, रिलैक्सेशन। कई बार बहुत छोटे छोटे टर्म है, इनको हम रट लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आते, और जब समझ में नहीं आते तो कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन में कोई अंतर नहीं होता, फिर आप वही सोचोगे कॉन्ट्रैक्शन भी वही है, कॉन्स्ट्रिक्शन भी वही है, रिलैक्सेशन पता नहीं क्या हो रहा है, रट लेते हैं भाई, रिलैक्सेशन करवा रहे, समझो उसको कि होता क्या है। अब मसल्स के अंदर यहाँ पर रिलैक्सेशन करवा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ना, क्योंकि ये हर चीज को बढ़ा रहा है आगे, तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा और आगे क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, गॉल ब्लैडर के अंदर यहां पर क्या करवा रहा है, रिलैक्सेशन करवा रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आगे सीक्रेशन पहुंचे। तो इन जेड ट्रैक को जरूर ध्यान रख लेना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि ये सारी चीजें होंगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। बस सिंपल सी बात है भाई, हर चीजें कम हो रही हैं, मूवमेंट आगे जा नहीं रहा, स्फिंक्टर्स जो हो गए वो क्लोज्ड हो गए हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही हैं, ठीक है, सीक्रेशंस वाटर है नहीं सीक्रेशन करने के लिए, ठीक है, पैनक्रेटिक जूस कम सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, मोटिलिटी जो है दोस्तों वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है, सब चीजें क्या कोच करवाएंगी, कॉन्स्टिपेशन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ध्यान रखना। जीआई ट्रैक्ट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों, इट कोजेज कैन कोच कॉन्स्टिपेशन, क्या कोच कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन कोच कर सकता है, और यहां पर जस्ट ऑपोजिट डायरिया। अब एक एक चीज दोबारा थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा सा तो आप भी दिमाग लगाओ, आप भी तो नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, लिख लेना ऑपोजिट, आपको याद करने के लिए लिखवा रहा हूं, वैसे मत लिखना ऑपोजिट कोई, ऑपोजिट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों प्यूपिल, तो प्यूपिल को ये क्या करवाता है, डायलेट करवाता है, ठीक है, ये क्या करवाता है, डायलेट करवाता है, प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है ये, और यहां पर डायलेट को हम बोलते हैं माइड्रियसिस, ध्यान रखना ये वर्ड, क्या बोलते हैं, माइड्रियसिस, क्योंकि डायलेट नहीं लिखा हुआ आएगा तो ऐसे तो नहीं है कि भूल जाओगे, ठीक है। और यहां पर ये प्यूपिल को क्या करवाता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, छोटा कर देता है उसको, ये इसको बड़ा कर देता है, इसको ये छोटा कर देता है, तो मियोसिस करवाता है। अब दो तरीके से याद कर सकते हो, डी आ रहा है तो डायलेशन होगा माइड्रियसिस का मतलब, दूसरा बड़ा वर्ड है तो बड़ी चीज होगी मतलब डायलेट होगा, और छोटा वर्ड है तो मियोसिस होगा, ठीक है, छोटा वर्ड है तो मियोसिस होगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो प्यूपिल को ये डायलेट करवाता है और ये प्यूपिल को क्या करवाता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो अब जब आपके सामने ब्राइट लाइट डाली जाती है, ठीक है, क्या डाली जाती है, ब्राइट लाइट, तो ब्राइट लाइट के कारण आपकी आंखें क्या होती हैं दोस्तों, उनके अंदर मियोसिस होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है प्यूपिल, ठीक है, तो वो हो जाता है। इसके अलावा क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट जब आपके पास आता है, तो क्लोज ऑब्जेक्ट जब आपके पास आएगा दोस्तों तो भी कॉन्स्ट्रिक्ट, क्लोज कॉन्स्ट्रिक्ट, सीसी हो गया ना, क्लोज ऑब्जेक्ट मतलब आपके पास के जो ऑब्जेक्ट उनको देखते हो तब क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्या होता है, डायलेशन होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ब्राइट लाइट पे और क्लोज ऑब्जेक्ट पे क्या करवाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ये क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, और ये क्या करवाता है दोस्तों, डायलेशन करवाता है, ये क्या करवाता है, डायलेशन का काम करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ज्यादा ही करवा रहा है इधर, कम करवा रहा है, सीधी सी बात है, क्या याद करना। लेकिन 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 जहां पर हमने बात नहीं की वहां पर हमें बात करनी है, यूरिनरी सिस्टम भी आपको याद रखना है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी दोस्तों ये यूरिनरी रिटेंशन कोच करवाता है, क्या कोच करवाता है, यूरिनरी रिटेंशन कोच करवाता है ये,
और ये यहां पे यूरिनरी रिटेंशन नहीं करवाता, नो यूरिनरी रिटेंशन, या हम कहें पासेज ऑफ यूरिन करवाता है, यूरिन को पास करने में हेल्प करता है, पासेज ऑफ यूरिन है, ठीक है। तो डिट्रेसर मसल जो होती है, ठीक है, ब्लैडर का, ब्लैडर के अंदर जो मसल जो होती है ना मेनली मस्कुलरचर, वो कौन सी होती है, डिट्रेसर होती है। जैसे बाहर की तरफ पेरिटोनियम है, फिर उसके बाद एक मस्कुलर लेयर आएगी, ये जो मस्कुलर जो लेयर है पेरिटोनियम के बाद में, दैट इज डिट्रेसर मसल। कौन सी मसल होती है, डिट्रेसर मसल होती है, डिट्रेसर मसल। और डिट्रेसर मसल के बाद में जैसे सब म्यूकोसा आती है, सब म्यूकोसा के बाद में अंदर वाली लेयर म्यूकोसा आती है, तो इस प्रकार से चार लेयर पाई जाती हैं। तो जो मेन मसल जो होती है ना दोस्तों ब्लैडर की, वो क्या होती है, डिट्रेसर मसल होती है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मान लो कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, यूरिन पास होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ये चीज समझा दी कि भाई यूरिन भी याद रखना है आपको जीआई ट्रैक्ट के साथ में, तो ताकि दिमाग आपका बैठ जाए। यहाँ पर ये भी याद रख लो, एक तो यूरिनरी सिस्टम, एक जीआई ट्रैक्ट सिस्टम, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो आगे करवाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रिलैक्सेशन होगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर यूरिन रिटेंशन, यहाँ पर पासेज ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करवाने में मदद करता है। यहाँ पर दोस्तों रिलैक्सेशन करवा रहा है। अब मसल्स है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब स्पिंक्टर, स्पिंक्टर, स्पिंक्टर याद करो, स्पिंक्टर कोई भी स्पिंक्टर हो, चाहे वो स्टोमक का स्पिंक्टर हो या यहाँ का स्पिंक्टर हो, क्या होगा दोस्तों, स्पिंक्टर के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। आपको कोई भी चीज को रोकना है तो स्पिंक्टर को बंद करना है, और बंद करना ही क्या कहलाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ पर जो स्पिंक्टर है दोस्तों उसका क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, खुल जाएगा वो। अब जब खुलेगा तो यूरिन आगे जाएगा, ठीक है, खुलेगा तो यूरिन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ये ब्लैडर है, यहाँ पर मान लो इंटरन स्पिंक्टर है, अगर ये बंद है तो इसका मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर बंद हो गया तो यहाँ पर यूरिन जो है वो आगे नहीं जाएगा, दरवाजा बंद है, ठीक है। और अगर दोस्तों यहां पर रिलैक्सेशन हो गया और ये खुल गया तो यूरिन आगे जाएगा। आगे ना समझ में, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ स्वेट ग्लैंड, स्वेट जो ग्लैंड है ना दोस्तों उसके सीक्रेशन को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इसके सीक्रेशन को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर सीक्रेशन, अब यहां पर तीन क्वेश्चन आ जाएंगे इस क्लास में, इससे रिलेटेड लगभग हमारे पास दो तीन क्वेश्चन आएंगे ऐसे, है ना, और ऐसे ही क्रेनियल नर्व से रिलेटेड आएंगे। दो ही चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक सिंपेथेटिक पैरासिंपेथेटिक पे, और एक जो हम फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, जो क्रेनियल नर्व है उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा नहीं, अगली क्लास में आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। स्वेट जो ग्लैंड है दोस्तों उसके सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, तो स्किन ड्राइनेस प्रेजेंट नहीं रहती, इसके कारण स्वेटिंग के कारण थोड़ी सी स्किन क्या हो जाती है दोस्तों, मॉइस्ट कर देता है ये, लेकिन यहाँ पर सीक्रेशन कम करवाता है, इसके कारण ये स्किन को क्या कर सकता है दोस्तों, ड्राई कर सकता है। अब ध्यान रखना, ये दोनों ही ग्लैंड, चाहे लैक्रिमल ग्लैंड हो चाहे सैलिवरी ग्लैंड हो, इन दोनों के सीक्रेशन को ये क्या करता है दोस्तों, कम करता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, कम करता है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड के सीक्रेशन को भी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो इसको भी क्या कर लो, एक बार हाईलाइट कर लो। देखो हाईलाइट उनको करो जो अलग है, जो चीज सेम है, सैलिवरी ग्लैंड को नहीं करना। अब आप कहोगे सर क्यों, अरे भाई मैंने आपको जीआई ट्रैक्ट बताया है ना, तो सैलिवरी ग्लैंड भी सेलाइवा सीक्रेट करके डाइजेशन में तो हेल्प करेंगे, तो उसको तो ये कम ही करेगा, उसको क्यों बढ़ाएगा ये, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सैलिवरी ग्लैंड तो आपको याद नहीं करवाऊंगा ना, तो स्वेट ग्लैंड भी नहीं याद करवाऊंगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, हर चीज को बढ़ा ही रहा है ये क्या याद करोगे। एक तो आपको ये याद करना पड़ेगा, एक आपको याद करना पड़ेगा यूरिनरी सिस्टम और एक जीआई सिस्टम। तो तीन चीजें अभी तक हमारे सामने निकल के आएंगी, और तीन ही रहेंगी, ज्यादा भी नहीं होंगी, ठीक है। तीन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने, एक जीआई ट्रैक्ट को किया है, एक यूरिनरी सिस्टम को किया है, और एक मैंने किसको किया है दोस्तों, लैक्रिमल ग्लैंड को किया है। तो आपको पूरा जो समरी जो बनेगा ना लास्ट में जाके यही समरी बनेगा कि इन तीनों में ऑपोजिट कर दो और बाकी सब में क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। तो अब लास्ट आता है स्किन, स्किन से रिलेटेड सुन लो कि एक मसल होती है हमारे पास इरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है, इरेक्टर पिलाई मसल। जब इस इरेक्टर पिलाई मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके कारण आते हैं हमें गूज बम्प्स। गूज मसल गलत लिख दिया मैंने, दैट इज गूज बम्प्स। गूज बम्प्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अब जब आप मूवी देखते देखते, ठीक है, एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार क्या चीज है, क्या देख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर आपके सामने कुछ जानवर आ जाए, शेर आ जाए, एकदम से डर कर रोंगटे खड़े होना, तो वो गूज बम्प्स हैं।
क्या कोच, कौन कोच करवा रहा है ये? दैट इज आपका सिंपेथेटिक फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन करवा रहा है, आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। तो ये गूजबम्स कोच करता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा हॉर्मोन है गूजबम्स करवाता है, तो यह करवाता है। नो गूजबम्स, यहाँ पे कोई गूजबम्स नहीं है। ऐसे मतलब ना कि गूजबम्स को डिक्रीज करता है, गूजबम्स को डिक्रीज करता है मतलब ना, नो गूजबम्स। समरी लिख लो, समरी लिख लो सबसे पहले, तो क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे। समरी का मतलब आपको दोस्तों इसे याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज के बाद आपको मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी भी आप सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक में अंतर करो, तो एकदम ऐसे कहो कि मुझसे पूछ लो, मैं सारा बता दूंगा। तो सारा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम लिख लो, GI ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड लैक्रिमल ग्लैंड। देखो ये मैंने एक नया जोड़ दिया इसमें, लैक्रिमल ग्लैंड। इन तीनों की चीजें क्या होंगी दोस्तों, डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी? इंक्रीज होंगी। किसमें? इंक्रीज लिख लो चाहे डिक्रीज लिख लो। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपैथेटिक डालोगे, अगर आप सिंपैथेटिक डालोगे तो वहां पर ये सारी चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। पर अगर पैरा सिंपैथेटिक डालोगे तो इंक्रीज होगी। बस कोई भी चीज डाल सकते हो आप, डिक्रीज इंक्रीज, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस पे है। तो डिक्रीज यहां पर इसलिए क्योंकि सब चीजें सिंपैथेटिक के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बस ये तीन चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ये मेरी ट्रिक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या आप कहोगे सर ये किस बुक में लिखा हुआ है, आप मुझे को बुक खोल के दिखाओ, पेज नंबर बताओ, रेफरेंस नंबर बताओ, कौन सा पेज है, कौन सा एडिशन है वो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बताया है, ठीक है। चलो हमारा ये सिस्टम खत्म हो गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों खत्म हो गया। अब कोई भी बच्चे ने अगर गड़बड़ की तो उसको पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, ठीक है। जिसने भी गड़बड़ की उसके ऊपर क्या लगेगी दोस्तों, पेनल्टी लगेगी, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप मेरे पास सिलेक्शन के बाद आओगे ना मिलने, तब मैं तुम्हारे को थप्पड़ लगाऊंगा, ठीक है, अगर आपने गलत बताया तो। अब देखो पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है। तो क्या करवाता है, पहली चीज ये कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिपेशन करवाता है। मैंने आपको अभी बताया है कि GI ट्रैक्ट में तो ये ऑपोजिट काम करेगा, मतलब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है हर चीज को। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के अंदर मैंने वहाँ सही तो लिखा है ना, बढ़ाता है, कहीं मैंने फ्लो फ्लो में तुम्हारे सिलेक्शन की खुशी में उल्टा तो नहीं लिख दिया ना, कई बार मुझे लगता है कि मैं बोलते बोलते कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है, सही लिखा है। चलो क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चन पहला करवाता रहता हूँ, मैं दूसरे के बारे में सोचता रहता हूँ कि वहाँ पर उसको कैसे समझाऊंगा। चलो आ जाओ, कॉन्स्टिपेशन नहीं करवाता पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या करवाता है, डायरिया करवाता है, डायरिया। इसके बाद गूजबम्स, गूजबम्स नहीं करवाता, गूजबम्स कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, ना कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सेस एपिनेफ्रिन सीक्रेशन, भाई पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलीन, एसिटाइलकोलीन है। तो एसिटाइलकोलीन के सीक्रेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ना कि एपिनेफ्रिन के सीक्रेशन को, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट है दोस्तों, इंक्रीज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस को, और मैंने वहां पर आपको लिखाया भी था सीक्रेशंस के नाम से, और ऊपर लिखा था GI ट्रैक्ट, तो GI ट्रैक्ट के ही होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तो होंगे नहीं यहां पे। तो इंक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशंस क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लिखो शॉर्ट नोट्स, अब अपने शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, ठीक है, वो तो समरी थी, अब शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। तो लिखो, जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है, जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम GI ट्रैक्ट के सीक्रेशंस को इंक्रीज कर देता है। अब सिर्फ इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको रिवाइज करना होगा ना, तब ये काम आ जाएगा, कहीं आप इंक्रीज करता है। और वो जो ट्रिक बताई आपको समरी, वो भी यहां पे डाल लेना एक बार, ठीक है। GI ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड लैक्रिमल ग्लैंड, बस और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं। इन चीजों को क्या करता है पैरासिंपैथेटिक,
इंक्रीज करते हैं। बस खत्म, याद हो गया, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट, आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं और बार बार भूलते भी आए हैं। वो आप मुझे ये मत कहना कि सर ट्रिक बता दो, ट्रिक तो आप लोग ही मुझे बता देना, ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रेलिन नर्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज की क्लास में भी शायद 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग एन एनुअल फिजिकल असेसमेंट, अमीर जो आदमी होते हैं वो हर साल फिजिकल असेसमेंट करवाते हैं। हम जब करवाते हैं, जब हमारी बॉडी कह देती है कि बस अब भाई हमारी मम्मी जी और हमारी दादी जी नहीं करवा पाएंगे हमारा इलाज, ठीक है, वो हमें हमारे इलाज करने के लिए मना कर देती हैं, बस अब मेरे बस की बात नहीं है। नहीं तो वो कहती रहती हैं कि ये खा लो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये खा लो अदरक खा लो सब आराम आ जाएगा, कुछ नहीं है, चाय पी लो ठीक हो जाएगा। तो जब मम्मी मना कर देती है तब हम जाते हैं, बट अमीर आदमी कब जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो एनुअल फिजिकल असेसमेंट कर रही है एक पेशेंट का, रिपोर्ट्स नॉट बीइंग एबल टू स्मेल कॉफी एंड मोस्ट फूड। तो वो क्या कहता है, वो क्लाइंट कहता है कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है भाई, अमीर आदमी कॉफी पी रहा है, ठीक है, हम तो चाय पीते हैं, कॉफी अच्छी नहीं लगती, चाय लवर है हम तो। तो वो कह रहा है कि मैं कॉफी पीऊं या फिर मैं खाना खाऊं, मैं किसी भी चीज को क्या नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, स्मेल नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, स्मेल नहीं कर पा रहा हूं, सूंघ नहीं पा रहा हूं, मुझे नहीं पता चलता कि ये कॉफी की सुगंध है चाय की सुगंध है या किसी भी चीज की सुगंध है, खाना खाते समय भी मुझे स्मेल नहीं आती है। विच क्रेनियल नर्व फंक्शन शुड द नर्स असेस। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का जो फंक्शन है वो नर्स को असेस करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट हुआ है जिसके कारण ये हुआ होगा। चलो बात करते हैं क्रेनियल नर्व की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन तीन प्रकार की होती है। एक सेंसरी काम करवाती है, सेंसरी काम जैसे आपका सूंघना हो गया, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे नहीं रट लिया सेंसरी मोटर वो ट्रिक याद कर ली, ठीक है, वो नहीं, समझो एक बार इसको। सेंसरी मतलब सेंसेशन का काम करेगी, कोई भी सेंसेशन का काम आपके करेगी, टच को फील करवाना मान लो, स्मेलिंग का काम मान लो, ठीक है, आपका देखने का काम मान लो, ठीक है, इसके अलावा सुनने का काम मान लो, तो और भी कई सारी चीज़ें, तो वो सब सेंसेशन है। तो ऐसे काम करने वाली नर्व सेंसरी नर्व होती है। दूसरी नर्व होती है दोस्तों मोटर नर्व, ठीक है, जो मोटर चला देती है, मोटर का मतलब मूवमेंट करवाती है आपके शरीर के, बॉडी का क्या करवाती है, मूवमेंट, बॉडी के किसी भी ऑर्गन का क्या करवाती है दोस्तों, मूवमेंट करवाती है, वो मोटर है। और ये है एडवांस बोथ, ये कहती है मैं दोनों काम करूंगा, मैं सेंसरी भी काम करूंगा और मैं मोटर भी करूंगा, दोनों काम मैं करूंगा। तो सेंसरी और मोटर दोनों काम करने वाली हैं, बोथ या मिक्स्ड, बोथ या मिक्स्ड। आप कहोगे सर बोथ नहीं बोलते, मिक्स्ड बोलते हैं, तो चलो आपकी बात मान लेता हूं, मैं बोथ का मतलब कर रहा हूं, बोथ सेंसरी एंड मोटर, और आप बोलते मिक्स्ड, बात वही हो गई कि दोनों का काम करवाएंगे, सेंसरी भी करवाएंगे और मोटर भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपको हर चीज समझ में आएगी आगे, कैसे आएगी वो मैं बात करूंगा। चलो देखते हैं, सेंसरी याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, मैं आगे नर्व बताऊंगा तो वापस से बैक भी लेके आ जाऊंगा मैं आपको। सेंसरी नर्व होती है पहली दूसरी और आठवीं। देखो आपको ज्यादा याद करनी नहीं है, पहली दूसरी और आठवीं जो नर्व होती है ना दोस्तों वो क्या होती है, सेंसरी होती है। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको सेंसेशन बताया, मेन ऐसे सेंसेशन जो इंडिविजुअल रूप से काम करते हैं हमारे अंदर, ठीक है, उनमें से पहला जो सेंसेशन है जैसे कि देखने का काम, ठीक है, विजन, चलो थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं विजन, ठीक है, देखने का काम, इसके अलावा दोस्तों सूंघने का काम, स्मेलिंग का काम, ठीक है, और सुनने का काम, ऑडिटरी काम, तो ये सब क्या है, सेंसेशन है। तो ये तीनों नर्व इन तीनों से रिलेटेड हैं, विजन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, स्मेल से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है और ऑडिटरी से रिलेटेड है, ठीक है। पहली जो है वो किस रिलेटेड है, स्मेल से, दूसरी विजन से रिलेटेड है और ये आठवीं ऑडिटरी से रिलेटेड है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है दोस्तों सेंसेशन का मीनिंग क्या है। अब एक इसके अलावा बहुत याद कर लो, पांचवी है, देखो अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, ओड पढ़ना है, 5, 7, 9, इसके बाद में 10, बस एक 10 याद करना है, 5, 7, 9, 5, 7, 9 और 10, ये दोनों काम करेंगे, ये कहेंगे हम सेंसरी का काम भी करते हैं, हम मोटर का काम भी करते हैं, हम दोनों काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिर्फ मोटर की। भाई मुझे कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा मिलेगा क्या जो मोटर बता देगा, बहुत टफ क्वेश्चन है ये मोटर बताना, कोई बताओ मुझे। तो पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी नहीं आई, चौथी आ गई क्या, नहीं आई, पांचवी आ गई जी, छठवीं आ गई, नहीं आई जी, सातवीं आ गई, हाँ सातवीं आ गई, आठवीं आ गई, हाँ जी आ गई, नौवीं आ गई, हाँ जी आ गई, दसवीं आ गई, हाँ जी आ गई, ग्यारहवीं और बारहवीं। तो ये सिर्फ किसका काम करती है दोस्तों, मोटर का काम करती है।
तो तीन चार, देखो एक दो फिर तीन चार, वैसे याद करो जैसे याद करो, मैं ऐसे याद करता हूँ, मुझे सही लगी है ट्रिक कि आपको ये दो नंबर याद करने हैं बस। वैसे भी इसमें भी यही याद करना, 128 याद कर लो, इसके बाद 5 7 9 10, 128 5 7 9 10, 128 5 7 9 10। अब वो ट्रिक जो है ना, वो बड़ी वाली वो है, पता नहीं, बिग ब्रदर सेज मनी मैटर्स, माई ब्रदर सेज बिग मैटर मनी मोर, ऐसे कुछ, वो ट्रिक ही याद नहीं है, याद कहाँ से करेंगे। तो ट्रिक भी याद रहना जरूरी है, कई बार हमारी ट्रिक भी दिक्कत कर देती है, तो उसको भी आप छोड़ दो। तो ये क्रेनियल हो गए अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब है अकॉर्डिंग टू ओरिजन, भाई ओरिजन के अकॉर्डिंग कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बहुत सिंपल है, याद करवा देंगे, करवा देंगे आपका काम, ठीक है। हमारे बड़े लोग जो होते हैं, मामा जी उमा जी, हर चीज़ वो करते हैं, करवा देंगे, कोई कौन सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे पता है जो आपको दिख नहीं रही होगी, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये आपको कम दिख रही होगी, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी दिख जाए, मैंने लाइट भी बंद कर दी है आप लोगों के लिए, ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर ये सेरिब्रम है, दिस इज सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये है मिड ब्रेन, इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे आपको, दैट इज मिड ब्रेन, ये है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिख रही है दोस्तों, दैट इज पॉन्स, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज पॉन्स, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज मेडुला, दैट इज मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा बोलते हो जैसे आप, मेडुला। ये सेरिबिलम है, काम का नहीं है, इसलिए काम का नहीं है, उनको छोड़ दिया, अभी हम जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे ना। तो देखो सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा, चार स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है, चार स्ट्रक्चर है। मैं कई बार क्या कर देता हूँ, चार बोल के तीन उंगलियां कर देता हूँ, तो बच्चे कह देते हैं सर तीन ही है, ये तो चार का है, चार हैं, सेरिब्रम है, पॉन्स है, मेडुला ओब्लोंगेटा है, और एक क्या है दोस्तों, मिड ब्रेन है। ये चार स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जिनसे क्रेनियल नर्व क्या होती है दोस्तों, ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। कैसे याद करना है, इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। सेरिब्रम पहली और दूसरी क्रेनियल नर्व, सेरिब्रम पहली और दूसरी क्रेनियल नर्व सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्रम वाइज चलो, मिड ब्रेन आ रहा है आगे, तीसरी और चौथी, मतलब दो दो, यहाँ पर दो क्रेनियल नर्व हुई पहली और दूसरी, यहाँ पर दो क्रेनियल नर्व हुई तीसरी और चौथी। इसके बाद है दोस्तों पॉन्स, अगली चार, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। अब बची कितनी, कौन बताएगा? शाबाश, वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल सही है, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, मेडुला से, ठीक है, मेडुला से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना। तो इसमें चार स्ट्रक्चर आई हमारे सामने, एक आई सेरिब्रम, सेरिबिलम मत लिख देना दोस्तों, गलत हो जाएगा ना, सेरिबिलम अलग है, सेरिब्रम है जो कि ब्रेन का मोस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा यही बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा। इसके बाद में मैंने बताया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसके बाद में है पॉन्स, और इसके बाद में आपका मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये चारों हैं, इससे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं। इन तीनों को हम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले कि भाई पांचवी क्रेनियल नर्व किससे ओरिजिनेट होती है, और ऑप्शन में ये दे ही नहीं तीनों में से, सीधा लिख दे पांचवी ब्रेन स्टेम से होती है, ठीक है। और भी लिख सकता है, फिर ऑप्शन में दे दे सेरिब्रम, सेरिबिलम दे दे, फिर थैलेमस दे दे, हाइपोथैलेमस लिख दे, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको मैं याद कैसे करवाऊंगा, तो भाई आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो आप सबसे पहले अपने स्टेट के सबसे बड़े आदमी के पास पहुंच जाओ, वो कौन है आपका, सीएम, और सीएम भी नहीं हल करे तो पीएम के पास पहुंच जाओ, तो सीएम, पीएम, सेरिब्रम, फिर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। वैसे भी याद करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, बट चलो फिर भी आपको याद, मेरी मेमोरी की तरह आपकी भी मेमोरी कम हो तो याद कर सकते हो। और फिर मिड ब्रेन, सॉरी, ब्रेन स्टेम को याद करने के लिए ऊपर ऊपर के सी को हटा दो, बाकी की तीनों चीज़ों को, ये क्या भला है, ठीक है, इसको हटा दो और बाकी की तीनों चीज़ों को ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ब्रेन स्टेम बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसे ना सोचो सर क्या पढ़ा रहे हो। चलो अब बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की, एक एक करके, एक एक करके क्रेनियल नर्व की बात करेंगे, और जो मोटार सेंसरी वाला है ना बहुत काम आएगा आपके। देखो सबसे पहली क्रेनियल नर्व, मैं डायरेक्टली एक एक क्रेनियल नर्व लूंगा, अगर आप भूल जाते हो, कई बार मेरे जैसा कोई बच्चा है वो भूल जाता है कि सर बहुत बार पढ़ लेता हूँ, भूल जाता हूँ, ओल्फैक्टरी है कि ऑप्टिक है, तो आप याद कर सकते हो। देखो सारी जो ट्रिक है वो सबको पता है, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, वो
बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहली आप भूल जाते हो तो याद रखना, पहली ओल्फैक्टरी है और दूसरी ऑप्टिक है। अब आपको सर ये तो मेरे को पहले याद था, तो भाई आपका नोज कितना है, नाक कितने हैं आपके, एक बच्चा कह रहा है मेरे दो हैं, अरे भाई दो नहीं है, एक ही है, नाक नाक हमारा एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। तो नाक एक है, तो क्रेनियन नर्व, जो पहली जो क्रेनियन नर्व है दोस्तों वो कौन सी आपकी, ओल्फैक्टरी। और आंखें आपकी कितनी है, दो है, तो दूसरी जो क्रेनियन नर्व दैट इज ऑप्टिक, तो भूलोगे नहीं। देखो इनमें कुछ याद ही नहीं करना, हमने मैंने आपको बताया था कि पहली दूसरी और आठवीं ये तीनों ऐसे क्रेनियन, इसमें मैं बहुत टाइम लूंगा अभी क्रेनियल नर्व में, क्योंकि तीन चार क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं कोई टाइम नहीं लूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा आपको, इसलिए आप ये मत सोचने से ये क्वेश्चन चलेगा कि आज। ओल्फैक्टरी जो है दोस्तों, तो ये आपकी नेजल म्यूकोसा को सप्लाई करती है नर्व, जो आपकी नेजल म्यूकोसा है उसको सप्लाई करती है ये नर्व, इसके अलावा जो नेजल सेप्टम है उसको सप्लाई करती है। और सिंपल सी बात देखो, मैंने आपको बहुत अच्छी चीज समझाने के लिए बताई दोस्तों, ये याद रखो सेंसरी है तो सेंसेशन का काम करेगी मुंह में। आपको याद नहीं करना कोई नाक का मूवमेंट करवाते, कई लोग हिला देते हैं नाक को, ठीक है, ऐसे ऐसे करना, मान लो हम भी ऐसे कर सकते हैं तो वो चीज याद नहीं करनी आपको, तो आपको सीधी सी बात है सेंसरी है तो सेंसेशन का काम करेगी, सेंसेशन कौन सा काम करेगी, बस नाक है तो स्मेल का काम करेगी, सिंपल सी बात। तो ओल्फैक्टरी जो नर्व है दोस्तों किसका काम करती है, स्मेल का काम करती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि भाई हम कौन सी क्रेनियल नर्व चेक करेंगे, हम ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व क्या करेंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे। चलो छोड़ो नेक्स्ट, दूसरा कोई काम का नहीं है ये, यहाँ पर इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ये पहली वाली, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट जो क्रेनियल नर्व है ये, स्मॉलेस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर कहोगे आप शॉर्टेस्ट बोल रहा हूँ, आगे मैं सारे बता दूंगा आपको, है ना। चलो लिख लो चाहो तो शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व, लंबाई कम होती है इसकी, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, दूसरी जो क्रेनियल नर्व दैट इज ऑप्टिक। अब देखो ये समझना जरूरी है ना भाई, आंखों का मूवमेंट नहीं करवाएगी, क्यों, सेंसरी है, सेंसरी तो मूवमेंट नहीं करवाएगी ना, तो याद ही नहीं करना कि कौन सा मूवमेंट करवा रही कौन सा नहीं करवा रही। तो ऑप्टिक जो नर्व है दोस्तों ये क्या कोज करवाती है आपका, ये रेटिना को सप्लाई होती है, किसको सप्लाई होती है, रेटिना को, रेटिना ऑफ आई को अगर कोई भी सप्लाई होगी तो रेटिना किसका काम करती है, विजन का। तो दूसरी जो नर्व है वो किसका काम करेगी दोस्तों, विजन का काम करेगी, किसका काम करेगी, विजन का काम करेगी, नहीं पढ़ना, ठीक है, खत्म। थर्ड, अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड है दोस्तों आपकी ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर है भाई, ये खुद ही कह रही है, ये तो बेचारा इतना अच्छा नाम दिया उस बंदे ने, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इतना बढ़िया नाम दिया। ओक्यूलो का मतलब हो गया आईज और मोटार का मतलब हो गया मूवमेंट। और दूसरी बात दोस्तों, अब वो बहुत काम आएगा आपके, 1, 2, 8 सेंसरी थी और 5, 7, 9 और 10 ये दोनों का काम कर रही थी बोथ। इसका मतलब दोस्तों ये वाले जो नर्व है ना, तीसरी जो क्रेनियल नर्व है ये कौन सी है, मोटार। इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज हमें इससे क्या पता लगी कि भाई विजन का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको देखने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करवाऊंगी, मैं आपकी आई का मूवमेंट करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, आपकी आई का मूवमेंट करवाऊंगी, ठीक है। तो आई बॉल का जो मूवमेंट है, आई बॉल का जो मूवमेंट है, आई मूवमेंट भी लिखा हुआ सकता है, उसमें यही हेल्प करती है, आई बॉल का मूवमेंट करवाने में क्या करती है दोस्तों, ये आपकी हेल्प करती है। तो आई बॉल का मूवमेंट करवाती है, आई बॉल का क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, ठीक है। या फिर लिखा हुआ सकता है कि भाई आई लिड का मूवमेंट, किसका मूवमेंट, आई लिड का मूवमेंट, एक मसल होती है वहां पे, उस मसल को क्या करती है दोस्तों, ये सप्लाई करती है। तो वो मसल कौन सी है, याद मत करना, याद मत करना भूल कर भी, नहीं तो एक जो चीज याद है वो भूल जाओगे, पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, इसको क्या करती है, ये सप्लाई करती है। इसके अलावा आयरिस को भी सप्लाई करती है और जो सीलियरी मसल है उसको भी सप्लाई करती है। तो आईलिड में तो हमारी मेनली अपर आईलिड ही तो मूवमेंट करती है ना, तो अपर आईलिड या सुपीरियर आईलिड को क्या करती है, अपर आईलिड को क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, अपर आईलिड का मूवमेंट करवाती है। अभी समझाऊंगा आपको, और भी चीजें समझानी है, ऐसा नहीं है सर काम की चीज तो अभी तक बता ही नहीं कि कौन सी आई बोल का मूवमेंट किधर करवा रही है, आंखें ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, दाई कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसको सप्लाई करती है। अब आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। ये आपका आई बॉल है, ये आपकी प्यूपिला है, ये एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई, एक मसल यहां होती है, एक मसल यहां होती है, ठीक है, ये मसल है आपकी आई की जो कि आई बॉल को कंट्रोल करती है,
जब थायराइड डिसऑर्डर पढ़ाया था तो उसमें एक डिसऑर्डर पढ़ाया था मैंने आपको, सॉरी एक सिम्टम पढ़ाया था मैंने आपको, एक्सोप्थेल्मोज, उसमें मैंने बताया था कि इनके अंदर वीकनेस हो जाती है। बताओ कौन सा थायरोडिज्म है, वो हाइपो है, हाइपर है, कौन सा है बताओ आप मुझे कमेंट करके। चलो आ जाओ, एक्सट्रिंसिक मसल है ऊपर वाली जो मसल है दोस्तों, दैट इज सुपीरियर रेक्टस मसल, इसे हम किस नाम जानते हैं, सुपीरियर रेक्टस। नीचे है तो इन्फीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। एक इनमें से मीडियल रेक्टस होगी और एक इनमें से लैटरल रेक्टस होगी। अब ये है ना, ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सुपीरियर ओब्लिक होगी, सुपीरियर ओब्लिक, और ये क्या होगी दोस्तों, इन्फीरियर ओब्लिक। अब आपको सर ये क्या बोल दिया आपने, इसको बीच में छोड़ दिया कि भाई ये लैटरल है या मीडियल है, तो लैटरल या कौन सी मीडियल कौन सी लैटरल है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताओ कैसे, देखो दोस्तों मैंने ये आई बना दी, आपकी आंखें बना दी, मान लो कि मैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो ये साइड है ना, मीडियल भी हो सकती है लैटरल भी हो सकती है। आप कहोगे कैसे सर, कैसे ये मीडियल भी हो सकती है ये लैटरल भी हो सकती है। अगर मैं अपनी राइट आई लूंगा तो ये मीडियल बन जाएगी, क्यों, देखो एक आई है ना तो हम नहीं बता सकते कि मीडियल है रेक्टस, अगर हम एक डायग्राम बना दें तो मीडियल है लैटरल हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि राइट आई है या लेफ्ट आई है, क्यों, देखो अगर मैं इसको राइट आई मानूं और फिर इसको लेफ्ट करूं, इधर एक आई और बना देता हूं तो ये लेफ्ट हो गई और ये क्या हो गया आपका, नोज हो गया। तो इस तरफ हो गई अंदर की तरफ तो मीडियल, ये लैटरल है, ये ठीक है कि भाई हमने मीडियल लिखा या लैटरल लिखा, ये सही लिख दिया हमने, इस आई के लिए ये मीडियल हो जाएगा, उधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, लैटरल। लेकिन मैं मान लो अब इसको राइट ना मानकर लेफ्ट आई होती तो ये, अब यहां पर एक आई और बना देता हूं, ये आई और बना दी मैंने और अब यहां नोज बना दिया, तो अब ये तो मीडियल हो गई ना, इधर वाली साइड क्या हो गई, मीडियल, और इधर वाली साइड क्या हो गई, लैटरल। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि एक आई बना के आप कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है, तो बना देते हैं और लिख भी देते हैं और आप उसको रट लेते हो कि इधर वाली मीडियल होगी, इधर लैटरल, नहीं देखो इधर, अब मेरे में समझो ना, अपने पास में तो आंख है ऐसे थोड़ी है। अब देखो अगर मान लो इधर वाला होगा तो अंदर की साइड जो बॉडी के अंदर जाता है ना वो मीडियल होता है, जो बाहर जाता है वो लैटरल, तो इधर वाला होगा तो ये मीडियल हो गई और ये इधर वाला जो मसल होगी, इधर वाली जो मसल होगी ये मीडियल होगी, इधर वाली मसल होगी लैटरल होगी, ठीक है। लेकिन इस आई के लिए इधर वाली जो होगी वो लैटरल होगी और इधर वाली होगी वो मीडियल होगी, समझ में आ गया ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक से नहीं पता लगता है, ठीक है। कहाँ घुस गए हम ऑप्थेल्मोलॉजी में, जल्दी जल्दी पढ़ना है थोड़ा सा, देखो ठीक है। अब देखो दोस्तों एक फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत काम का फॉर्मूला है, याद करना है, याद क्या करना है, LR6SO4 ब्रैकेट में 3, इस फॉर्मूले को जरूर याद करना, ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है अभी, क्रेनियल नर्व के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लैटरल रेक्टस जो छठवी है, सॉरी लैटरल रेक्टस जो मसल है, लैटरल रेक्टस जो मसल है, ये मान लो लैटरल रेक्टस है, इसको छठवी क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, छठवी कौन सी करेगी, छठवी करेगी, और सुपीरियर ओब्लिक, ये सुपीरियर ओब्लिक है दोस्तों, इसको कौन सी करेगी, चौथी करेगी, फोर्थ करेगी, और बाकी की जितनी भी है ना उन सबको कौन सी करेगी दोस्तों, आपकी थर्ड करेगी। तो अब थर्ड ही पढ़ रहे हैं हम, ओक्यूलोमोटर पढ़ रहे हैं, तो किस किस को नहीं करेगी, तो ध्यान रखना कि लैटरल रेक्टस, क्या याद रखना है कि लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक को छोड़ के जितनी भी नर्व हैं, सॉरी जितनी भी मसल्स हैं, चाहे वो सुपीरियर रेक्टस हो चाहे इन्फीरियर रेक्टस हो, ठीक है, चाहे वो आपकी मीडियल रेक्टस हो या इन्फीरियर ओब्लिक हो, उनको कौन सी करेगी आपकी, ओक्यूलोमोटर सप्लाई करती है, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये चीज़, है ना। अब इनका मूवमेंट भी बता देता हूँ, फिर कहोगे सर मूवमेंट नहीं बताया, सुपीरियर रेक्टस है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, कुछ याद ही नहीं करना, अपवर्ड, ठीक है, इन्फीरियर रेक्टस है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद में मीडियल है तो मीडियल अंदर की तरफ करेगी बाहर की तरफ, तो मीडियल अंदर की तरफ करवाएगी, तो अंदर की तरफ जो भी मूवमेंट होगा दोस्तों तो ये इनसाइड मूवमेंट होगा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एडक्शन, क्या कोच करवाती है, ये एडक्शन करवाती है, और लैटरल रेक्टस जो है ना दोस्तों ये क्या करवाती है, एबडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन और एबडक्शन में याद रखना, एडक्शन मतलब एड होना, ठीक है, एड होना मतलब जुड़ना, पास जाना, ये एडक्शन है, मीडियल है तो बॉडी के अंदर की तरफ जाएगी, और एबडक्शन अबे भाग मतलब दूर की तरफ जाना, तो लैटरल रेक्टस बाहर की तरफ मूवमेंट करवाएगी तो एबडक्शन होगा, ठीक है, ये आउटसाइड मूवमेंट करवाएगी, आउटसाइड, ये इनसाइड करवा रही है, ये आउटसाइड मूवमेंट करवा रही है, इसलिए ही हमने मैंने आपको बताया कि जो लैटरल रेक्टस है उसको छठवी करवाती है,
इसलिए छठवीं जो क्रेनियल नर्व उसको हम एब्डुसेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अबडक्शन और एब्डुसेंस एक हो गया ना, एब्डुसेंस अबडक्शन कराने वाली, अबडक्शन कराने वाली, तो वो एब्डुसेंस कहलाए। ठीक है, अब दो बच गए, सुपीरियर ओब्लिक्यू, इनमें उल्टा होगा भाई, इसमें ये अपवर्ड था, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड होगा, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगा, और इन्फीरियर ओब्लिक्यू का होगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, बस बहुत है इतना, चलो आ जाओ। तो थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो चार एक्सट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है, सिर्फ मोटार है तो मोटार ही काम करेगी, चार एक्सट्रिंसिक मसल को करती है, रेदर देन, अदर देन, अदर देन किस किस को छोड़ के, लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक को छोड़ के, बाकी सबको करती है ये। ठीक है, इसके अलावा ये आई लीड का मूवमेंट करवाती है, आई लीड मूवमेंट, मेनली अपर जो आई लीड है दोस्तों उसका क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, बस खत्म, ज़्यादा याद ही मत करो, ये दो याद रख लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ, फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है दोस्तों दैट इज ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब ट्रोक्लियर जो क्रेनियल नर्व है वो क्या काम करवाएगी भाई, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व भी तो कुछ तो काम करवाएगी ना, तो एक है आपकी ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व और एक अगली जो क्रेनियल नर्व है दोस्तों दैट इज पांचवी जो है दैट इज ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल, दोनों बताऊंगा आपको एक साथ, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। अब आपको पहले ये बताओ, फोर्थ के अंदर है ना आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली दूसरी और आठवीं क्या कोच करवाती हैं, पहली दूसरी और आठवीं क्या कोच करवाती हैं, सेंसेशन, सेंसरी, और पांचवी सातवीं नौवीं और दसवीं क्या कोच करवाती है, बोथ, मतलब मोटार प्लस सेंसरी। तो ये सिर्फ क्या करवाएगी दोस्तों, मोटार, और अभी एक सेकंड पहले ही बताया मैंने आपको एल आर सिक्स और एस ओ फोर और थ्री, तो सुपीरियर ओब्लिक मसल का मूवमेंट करवाने का काम करती है, बस यही तो पढ़ाना है मुझे, सुपीरियर ओब्लिक जो मसल है उसका क्या करवाती है दोस्तों, ये मूवमेंट करवाती है। क्या इसका विजन का कोई काम होगा, अरे भाई क्यों होगा विजन का काम, इसको विजन से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका विजन का कोई काम नहीं होगा, तो याद भी नहीं करना, बस मूवमेंट करवा रही है सुपीरियर ओब्लिक का, और सुपीरियर ओब्लिक का कैसा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, मैंने आपको बताया उल्टा याद करना है, ओब्लिक जो है वो उल्टा करते हैं, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, बस खत्म काम। पांचवी ट्रोक्लियर जो होती है ना स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, शॉर्टेस्ट नहीं बोला अब स्मॉलेस्ट बोला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है ना ये काफी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है, ये कई सारी चीजें आपको करवा के देगी, ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है कई सारी चीजें करवाएगी। सबसे पहला काम पांचवी है, तो पांचवी है तो दोस्तों दोनों होंगी, ये भाई सेंसरी काम भी करवाएगी साथ में ये आपका मोटार काम भी करवाएगी, तो दोनों काम करवाएगी ये। अब सेंसेशन क्या देगी और मोटार फंक्शन क्या करेगी, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों बात करते हैं। ये भाई ब्लिंकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लिंकिंग। अब आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं माने तो आपकी मर्जी, याद हो जाएगा, याद करोगे तो ब्लिंकिंग का काम करता है ये ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। साथ में दोस्तों ये क्या कोच कर रहा है, मैस्टिकेशन, खाने को चबा रहा है, मैस्टिकेशन कर रहा है, खाने को च्यूइंग करने का काम कर रहा है, मैस्टिकेशन का काम कर रहा है, या हम कहें च्यूइंग का काम करता है, ठीक है। और ब्लिंकिंग जो रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स है ये, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये, कोई भी चीज आपकी आंख में आती है एकदम से आंखें बंद हो जाती है, ठीक है, वो वाला है ये ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है ये। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स का काम या मैस्टिकेशन या च्यूइंग का काम, या फिर दोस्तों जो आपका फेस और जो नेक, जो फेस है और हेड है, फेस और हेड का जो सेंसेशन है, फेस और हेड से रिलेटेड जो भी आपको सेंसेशन फील होते हैं, वो सारे सेंसेशन कौन देती है, आपकी
ट्राइजेमिनल नर्व देती है। फेस से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो भी सेंसेशन होगी वो आपकी कौन सी नर्व देगी दोस्तों, आपकी ट्राइजेमिनल नर्व देती है। बस सेंसेशन का काम यहां से हो गया और ब्लिंकिंग हो गया यार, मैस्टिकेशन हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, मोटर मूवमेंट हो गई। बस इस डायग्राम को याद कर लो कि सेंसेशन ऑफ फेस एंड हेड कर रही है, इसके अलावा ब्लिंकिंग जो रिफ्लेक्स है वो कोज करवा रही है आपका, और साथ में आपको क्या करवा रही है दोस्तों, मैस्टिकेशन का काम करवा रही है, साथ में क्या करवा रही है, मैस्टिकेशन या चबाने का काम। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि कौन सी क्रेनियल नर्व च्यूइंग करवाती है, कौन सी क्रेनियल नर्व च्यूइंग करवाती है, तो आंसर क्या आएगा आपका, पांचवी क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व वो क्या करवाती है, च्यूइंग करवाती है। छठवीं, छठवीं तो आपको याद ही नहीं करना, छठवीं तो आपको याद ही नहीं करना, जो बच्चा याद करेगा वो गया काम से। एब्डुसेंस, एब्डुसेंस है ना, ओ ओ, ओ, ओ. हाँ एब्डुसेंस। अब लेकिन मैंने आपको यहां पर पहली दूसरी आठवीं बताया था जो कि सेंसरी थी, और यहां पर मैंने आपको बताया था पांचवीं सातवीं नौवीं और दसवीं, पांचवीं सातवीं और नौवीं और दसवीं बताया था। अब यहां पर एक चीज की गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ किस चीज की होगी दोस्तों, वो गड़बड़ इस चीज की हो गई कि एब्डुसेंस जो है ना मोटार करवाती है ना, ये तो सब बच्चों को पता है, मोटार क्या काम करवा रही है ये तो सब बच्चों को पता है कि भाई मोटार के अंदर ये क्या कोज करवा रही है आपका, जो LR6SO43, तो लेटरल रेक्टस जो मसल है, लेटरल रेक्टस जो आई मसल है, उस आई मसल को ये क्या करवा रही है, मूवमेंट करवा रही है। और लेटरल रेक्टस जो आई मसल है वो कौन सा मूवमेंट करेगी दोस्तों, लेटरल रेक्टस अगर आई मसल है वो मूवमेंट करेगी तो वो कौन सा मूवमेंट करेगी आप बताओ, इनवर्ड करेगी या आउटवर्ड करेगी। तो लेटरल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, लेटरल का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना, तो ये कौन सा मूवमेंट कराएगी आपका, आउटवर्ड मूवमेंट कराएगी। अब दोनों आईज के लिए दोनों क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे, दोनों आईज के लिए दोनों अलग अलग भी होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब और अब जो बच्चे इसका मोटार ढूंढ रहे हैं, सेंसरी ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे इसका सेंसरी ढूंढ रहे हैं तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेंसरी ढूंढने का उनका पर्पज क्या है, क्योंकि पांचवीं सातवीं और नौवीं दसवीं ये दोनों सेंसरी हैं और दोनों साथ में क्या है, मोटार हैं, और पहली दूसरी आठवीं क्या है दोस्तों आपकी, सिर्फ सेंसरी है। तो छठवीं क्या हो गई, छठवीं जो हो गई वो ओनली क्या हो गई, मोटार हो गई। अरे भाई क्यों जानबूझ के कोई भी टॉपिक को हार्ड बना रहे हो, तो सेंसरी तो है ही नहीं ना, तो मोटार है, तो ये लेटरल रेक्टस जो मसल उसको मूवमेंट करवा देगी। देखो कितनी सिंपल हो गई ना चीजें, क्यों आपको ये पता लग गया, देखो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आप इसके बिना याद करोगे ना तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्या करवाती है, लेकिन अगर आपको ये याद है ना तो ये खुद आपको बताएगा कि क्या करवाती होगी, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे आपको याद करनी थी कौन सी, फोर्थ क्रेनियल नर्व, तो उसमें फोर्थ क्रेनियल जो नर्व है वो याद करनी है, उसको खुद बता दिया, वो जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूला से आपको ये भी याद होगी कि भाई सुपीरियर ओब्लिक का मूवमेंट करवाता है, इससे छठवीं का मूवमेंट कराता है, तो दो क्रेनियल नर्व तो यहाँ पे खत्म हो गई और तीसरी यहाँ पे खत्म हो गई, तो तीन यहाँ पे खत्म हो गई, ऑप्टिक खुद खत्म हो गई और ओल्फैक्टरी खुद खत्म हो गई, तो कितनी क्रेनियल नर्व खुद ही खत्म होती जा रही है, हम कुछ करवा ही नहीं रहे, तो बस हो गया काम। चलो नेक्स्ट, सातवीं जो क्रेनियल नर्व है दोस्तों दैट इज फेशियल, सातवीं जो क्रेनियल नर्व है जो कि आपकी फेशियल क्रेनियल नर्व है, ये आपका फेस है और ये आप इस पे स्माइल कर रहे हो, और ये स्माइल करते करते आपकी ये टंग है ना, नोज मत मानना, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ ताकि टंग लगे नोज नहीं लगे, रुको, ये आपकी स्माइल है और ये आपकी स्माइल में ये आपकी, जाओ इसे बनाता हूँ रेड से, स्माइल में ये आपकी टंग है, और टंग जो है इसका ये आगे का पार्ट है, मतलब कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है, ये आपकी स्माइल है, ये आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है,
और ये आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ऐसे मान लो यहाँ पर सब लिंगुअल और इधर मान लो सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये ग्लैंड है, ये बना लेना क्योंकि कुछ याद नहीं करवाऊंगा मैं आपको। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर खुद ही याद हो जाएगा, सब मैंडिबुलर। भाई एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग जो है ना उसके अंदर क्या होंगी, टेस्ट बर्ड होंगी। जब टेस्ट बर्ड्स होंगी तो ये टेस्ट का काम करवाएंगी, और जब टेस्ट का काम करवाएंगी दोस्तों तो ये कैसा फंक्शन होगा, तो ये दोस्तों सेंसरी फंक्शन होगा। टेस्ट तो सेंसरी फंक्शन है ना, तो सेंसरी फंक्शन हो गया। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में दोस्तों ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन देंगी आपको। भाई फेशियल एक्सप्रेशन बिना मसल के मूवमेंट के नहीं होता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिना मसल्स के मूवमेंट के नहीं होता है। कहते हैं थप्पड़ मारते हैं ना तो बहुत कम मसल्स यूज होती हैं, बट जब आप स्माइल करते हो ना तो बहुत सारी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है, कहते हैं ऐसे। तो फेशियल एक्सप्रेशन होगा तो मसल्स यूज होगी, और मसल्स अगर यूज होगी तो कौन सा फंक्शन होगा, मोटार फंक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मसल्स, इनके जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर भी ये इनका भी जो सीक्रेशन है वो भी रिलीज होगा। तो ये किसका रिलीज करेंगे दोस्तों, सेलाइवा का सीक्रेशन करेंगे, ये सेलाइवा का सीक्रेशन। वैसे ये सेलाइवा का सीक्रेशन होगा वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम चाहें अभी हो जाए, तो सेंसरी कंट्रोल ही होगा ये भी, तो सेलाइवा का सीक्रेशन होगा। बस खत्म भाई, फेशियल नर्व कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, ये पिक्चर याद है ना, बस पिक्चर बना लो, ठीक है। मैं थोड़ी सी ऐसे ही बनाता हूँ, आप थोड़ा सा अच्छा बना लेना कि आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई टंग है। जब एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को देगी तो उससे टेस्ट आएगा, जब सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को देगी तो उसे सेलाइवा का सीक्रेशन होगा, और साथ में दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन कई बार ये नहीं आता, फेशियल एक्सप्रेशन क्वेश्चन आ जाता है कि विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर स्माइलिंग, आपकी स्माइलिंग के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है, तो आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व है दोस्तों वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। खत्म हो गया मैटर, यहीं पर समाप्त। आठवीं क्रेनियल नर्व बहुत सिंपल है, सातवीं भाई उसमें आएगी ना, देखो पांचवीं सातवीं नौवीं और दसवीं, तो ये दोनों काम करेगी मिक्स। लेकिन पहली दूसरी और आठवीं ये तो और भी सिंपल है, कुछ याद ही नहीं करना, ये हमने पढ़ ली, ये पढ़ ली, आठवीं आपके सामने आ गई, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वेस्टिबुलर भी बोलते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व भी बोलते हैं, और ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। मैं सिंपल से बोल देता हूँ ऑडिटरी नर्व, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी बोल देते हैं इसको, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, मैं क्या काम करवाएगी ये, सिंपल सी बात है, सुनने का काम करवाएगी, हियरिंग का काम करवाएगी। और किस ईयर का, हमारे कान का पहला काम क्या होता है, पहला काम बैलेंस होता है, दूसरा काम होता है हियरिंग। तो बैलेंस या इक्विलिब्रियम, बैलेंस नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम, दूसरा काम हियरिंग, तो दोनों ही काम यही करवाते हैं, ठीक है। और दोनों ही काम क्या है, ये सेंसरी काम है, मोटार नहीं है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या हो जाएगी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व क्या काम करवाती है, हियरिंग का, बैलेंस का काम करवाती है, और दोनों ही काम क्या है, सेंसरी है। तो पहली दूसरी और आठवीं को याद करना सबसे सिंपल है, ठीक है। पांचवीं सातवीं नौवीं दसवीं को याद करना सबसे टफ है, और बाकी की जो बच गई उनको न टफ है न सिंपल है। इसके बाद आ जाओ नौवीं, नौवीं जो क्रेनियल नर्व है ना वो बहुत अच्छी क्रेनियल नर्व है, बहुत सारे काम करवाती है आपकी। ग्लोसोफेरेंजियल, नाम ग्लोसोफेरेंजियल है बंदी का, ठीक है, बंदी क्रेनियल नर्व भी बंदी है ना, बंदी का नाम क्या है, ग्लोसोफेरेंजियल है, लेकिन काम बहुत करती है, बेचारी लगी रहती है, ठीक है। तो पांचवीं सातवीं नौवीं दसवीं है, फिर ले आता हूँ आपको, बोलोगे नहीं, याद करा दूंगा आपको, टेंशन मत करो। तो दोनों काम करेगी ये, ठीक है। तो देखो ग्लोसो का है मतलब दोस्तों टंग। अब भाई टंग को हमने बीच में छोड़ दिया था, वहां पर हमने टू थर्ड बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, वन थर्ड, फेशियल में बताया था ना टू थर्ड, फेशियल में मैंने आपको क्या बताया था, ये टू थर्ड को सप्लाई करती है, फेशियल में बताया ना, ठीक है, बाद में निकले किसी और को बता दिया, फेशियल में बताया, ठीक है। और वन थर्ड जो है दोस्तों इसको कौन सप्लाई करेगी, ग्लोसो। तो ग्लोसो का मतलब ही टंग होता है, ठीक है, ग्लोसो मतलब क्या होता है, टंग। तो वन थर्ड को टेस्ट बर्ड्स को करती है भाई, किसको करती है, टेस्ट बर्ड्स को, मूवमेंट वूमेंट नहीं करवाती, इसका काम नहीं है मूवमेंट करवाना। कहीं यहाँ पर लिख दो कि सर अब मुझे मोटार निकाल के लाना है तो मैं टेस्ट बर्ड को मूवमेंट, टंग को मूवमेंट करवा दे, तो पीछे पीछे टंग को मूवमेंट करवाऊंगा, आगे से नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना, एक ही करवाएगी ना,
ऐसे तो है नहीं कि भाई ये करवा देगी मूवमेंट इधर आगे की पड़ी रहेगी, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो टेस्ट बेड को करवाएगी तो टेस्ट का देने का काम भी करती है। तो एक ही क्रेनियल नर्व टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, दो क्रेनियल नर्व टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई हैं। फेसियल प्लस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर टेस्ट आ गया, यहां पर आगे आपका क्या आता है दोस्तों, फेरिंग्स। आगे क्या आता है आपका, फेरिंग्स आता है। तो PHARYNX, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को भी क्या करती है दोस्तों, ये सप्लाई करती है। तो फेरिंग्स को भी सप्लाई करती है। अब फेरिंग्स को सप्लाई करती है तो आपका खाना जब आगे जाता है तो वो क्या होता है, अंदर घटक लेते हो आप, उसको स्वेलो करते हो। तो स्वेलोविंग का काम यहीं से याद हो जाएगा ना भाई, यहां से टेस्ट लिया, खाना यहां आ गया, यहां पे टंग तो मूवमेंट नहीं कर रही लेकिन आगे स्वेलोविंग करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है दोस्तों, स्वेलोविंग। तो स्वेलोविंग का जो काम कर रहा है ये एक मोटार मूवमेंट हो गया। ये कैसा मूवमेंट हो गया, एक मोटार मूवमेंट हो गया। तो स्वेलोविंग का जो काम करेगा दोस्तों वो आपका कौन सी नर्व करेगी, आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है। अब दो आपकी सेलिवरी ग्लैंड आ गई, एक बच गई पैरोटिड। पैरोटिड का कोई लेना देना नहीं है क्या, तो पैरोटिड को भी सप्लाई करती है। ये किसको सप्लाई करती है, पैरोटिड को भी। और पैरोटिड को जब सप्लाई करेगी तो साथ में क्या काम करेगी दोस्तों, सेलाइवा का सीक्रेशन भी करेगी। अब सेलाइवा का सीक्रेशन भी ये करती है। तो सेलाइवा का सीक्रेशन करती है, एक और काम करती है दोस्तों ये। अब आप कहोगे सर वो क्या काम करती है, ये काम करती है बीपी एंड रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करती है। बीपी और रेस्पिरेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक्चुअली में कैरोटिड जो आर्टरी है ना उसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन स्ट्रक्चर्स को ये क्या करती है दोस्तों, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, और इन स्टिमुलेट करके उनको, उनके द्वारा क्या करती है, कंट्रोल करती है। आगे मैं इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको कैरोटिड बॉडी में साइनस प्रेजेंट होते हैं वो किस प्रकार से क्या करवाते हैं, कंट्रोल करवाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि बीपी और रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर लिया बंदी ने, सेलाइवा के सीक्रेशन को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, सेलाइवा सीक्रेशन करवा दिया, इसके अलावा आपको टेस्ट दे दिया, और इसके अलावा आपका क्या करवा दिया दोस्तों, स्वेलोविंग करवा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ना कि स्वेलोविंग के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है, तो ये जिम्मेदार होती है। टेस्ट का तो नहीं बनेगा, अकेली नहीं करती है, सेलाइवा का भी अकेली नहीं करती है, ये बीपी रेस्पिरेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, आप पढ़ोगे कैरोटिड साइनस होती है, कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी के अंदर वो बीपी रेस्पिरेशन को क्या करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बस बहुत है इतना, इसके अंदर इतना पढ़ लो बहुत है ये। इसके बाद में सभी समझदार लोग सभी जानते हैं जिसको, वेगस नर्व। वेगस नर्व कितनी बड़ी नर्व होती है भाई, ये वेगस नर्व बहुत बड़ी नर्व होती है। ठीक है, वेगस नर्व तो काफी बड़ी नर्व होती है, कई चीजें, कितनी चीजें करवाती है यार ये, बहुत न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है ये। ठीक है, कई सारी चीजें करवाती है, कंट्रोल करती है आपका, इसको हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो चीजों को, ऑर्गन को सप्लाई करती है मेनली, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को और एक आपके गैस्ट्रिक ऑर्गन को क्या करती है, सप्लाई करती है, इसलिए इसे हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे सबसे बड़ी नर्व होती है, लार्जेस्ट नर्व, सबसे बड़ी नर्व होती है लार्जेस्ट नर्व, और दसवीं है। तो पांचवीं, सातवीं, नौवीं और दसवीं, तो ये दसवीं भी क्या करेगी दोस्तों, दोनों काम करेगी, तो मिक्स्ड काम करेगी। चलो आ जाओ, न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व है ये किसको सप्लाई करेगी, तो ये सप्लाई करती है दोस्तों एक तो लैरिंग्स को। ठीक है, इधर ये सप्लाई करती है फेरिंग्स को भी, ऐसे मत कहना कि वहां पर, ये भी सप्लाई करती है कुछ अमाउंट में फेरिंग्स को, ये भी सप्लाई करती है फेरिंग्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा दोस्तों ये इसोफेगस को सप्लाई करती है, इसोफेगस को, स्टोमक को, और जितने भी एब्डोमन ऑर्गन है ना उनको, तो एब्डोमन विसरा, एब्डोमन जो ऑर्गन उनमें डायरेक्टली लिख देता हूँ, एब्डोमन विसरा को भी सप्लाई करती है। और जो लैरिंग्स है दोस्तों वो किसको सप्लाई करती है, लैरिंग्स, सॉरी ये जो दूसरा जो इसका पार्ट है न्यूमो पार्ट, ये लैरिंग्स को करती है, ब्रोंकाई को करती है, और साथ में आपके जो जो थोरेसिक विसरा है उनको सप्लाई करती है। थोरेसिक जो विसरा है दोस्तों उनको क्या करती है, सप्लाई करती है। अब इसका काम क्या है, पहला काम ध्यान रखना, एक तो इसका काम क्या हो गया दोस्तों, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। भाई मैंने आपको वहां पे बताया था, अब वापस लौट के आ जाओ, पिछली 2-3 हजार साल पहले आपको क्या बताया था मैंने, कि जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम की तरह काम करती है, किसकी तरह काम करती है, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम की तरह काम करती है। पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम हार्ट रेट को क्या करता है दोस्तों,
कम करता है। आ गया यहाँ पे लिख दो, आ गया। तो इसके अलावा दोस्तों मैंने क्या बताया था कि गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस हैं उनको क्या करती है, इंक्रीज करती है। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है उनको भी क्या करती है दोस्तों, ये इंक्रीज करती है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जो स्फिंक्टर वाला कंसेप्ट है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये यहाँ पर ये काम भी कर रही है, हार्ट रेट को कम करने का काम कर रही है। और ब्रोंकाई का क्या करवा रही है दोस्तों, डायलेशन नहीं करवा रही है। कहीं यहाँ पर लिख दो ब्रोंकाई डायलेशन, ये ब्रोंकाई का डायलेशन नहीं करवाती है, क्योंकि ब्रोंकाई का डायलेशन इधर करवाती है। लैरिंग्स से रिलेटेड है तो हेल्प करती है किसमें, वॉइस प्रोडक्शन में भी। किसमें हेल्प करती है, वॉइस प्रोडक्शन में भी। और हम बोलते हैं तो ये वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होता है, ये हमारा मोटार मूवमेंट हो गया, क्योंकि हम जानबूझ के बोल रहे हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि हमारे मूवमेंट नहीं करवा रहे, हम मूवमेंट करवा रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं तो जानबूझ के बोल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। आपको मैं चुप हो जाओ तो चुप भी हो जाओगे आप। तो इसलिए दोनों काम हो गए इसके, कि मोटार काम भी कर रही है और सेंसरी काम भी कर रही है, ये मोटार भी कर रही है और सेंसरी काम भी कर रही है। तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड हो गया आपका। पैरासिंपेथेटिक को तो सीधा ही इनवॉलेंट्री है, पहले ही मैंने बता दिया सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम वो है। और यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, आपका मोटार हो गया। तो ये आपकी कौन सी नर्व हो गई, वेगस नर्व होगी। ये आपकी कौन सी नर्व होगी दोस्तों, वेगस। ठीक है, वेगस लार्जेस्ट लिख दिया मैंने, सॉरी लॉन्गेस्ट लिखना ना, लॉन्गेस्ट। अभी मैं सारी हो जाएंगी तब बता दूंगा आपको, हो ही गई लगभग, है ना। अभी दो है वो बाद में लूंगा, फिर मैं भूल जाऊं। पहली और दसवीं ऐसे याद रख लो, पहली और दसवीं और चौथी और पांचवी। पहली जो है दोस्तों वो शॉर्टेस्ट है, मतलब लेंथ कम है। दसवीं जो है दोस्तों वो लॉन्गेस्ट है, मतलब कि लेंथ सबसे ज्यादा है, अभी पड़ी है। चौथी जो है वो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, मतलब उसका जो डिवीजन है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो स्मॉलेस्ट है। और इसके डिवीजन बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट है। ट्राइजेमिनल, तीन डिवीजन पढ़ते हैं ना इसके, ऑप्थैल्मिक होता है, एक मैंडिबुलर होता है, एक मैग्जिलरी होता है। तो तीन डिवीजन होते हैं तो ये लार्जेस्ट बन जाती है। ठीक है, इसके तीन डिवीजन होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, मुझे लगा नहीं कुछ काम का इसमें मैंने बताया नहीं भी। ऑप्थैल्मिक होता है, मैग्जिलरी होता है और मैंडिबल, तीन ब्रांच होती है इसकी, मैंडिबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कितनी हो गई, 10 हो गई, इसके बाद में 11 आ जाओ। 11 तो खुद ही कहती है कुछ नहीं हूं मैं। एक्सेसरी नर्व है पहली बात दोस्तों, असेसरी नर्व है ये। तो आपको क्या है इसमें, कुछ पढ़ना इतना है नहीं। असेसरी का मतलब हेल्प कर रही, तो ये एक्चुअली में, और मोटार है ये, क्यों, क्योंकि पांचवी सातवीं नौवीं दसवीं और इधर आ जाओ आपकी पहली दूसरी आठवीं, तो मोटार। तो ये दोस्तों दो मसल्स को मेनली सप्लाई करती है, एक करती है स्टर्नोक्लीडो मैस्टोइड जो मसल है उसको सप्लाई करती है, और एक सप्लाई करती है ये ट्रेपेजियस मसल को, ट्रेपेजियस जो मसल है उसको। तो ये हेल्प करती है हमारे हेड को टर्न होने में, हम हमारे गर्दन को हिलाते हैं ना, हेड को टर्न होने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ मात्रा में दोस्तों ये लैरिंग्स से भी रिलेटेड होती है, कहते हैं कि वॉइस प्रोडक्शन में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। थोड़ी बहुत ही वॉइस प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, मत याद मत रखो, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो एसेसरी हो गया, तो सिंपल सा हेल्प करेगी मूवमेंट में, तो स्टर्नोक्लीडियल मसल और ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई होती है ये, जिसके द्वारा हम हमारे हेड को क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। बस मूवमेंट का ही काम होगा। कभी सोचा था कि इतने हेल्पफुल होंगे ये चीजें हमारे लिए। और लास्ट जो है दोस्तों वो आपकी हाइपोग्लोसल। अभी तक टंग में आपको हर चीज पढ़ लिया, टंग में ये, टंग में इंटीरियर टू थर्ड, टंग में ये। और जब पढ़ा, जब मैंने इतना सारा टंग को हिलाया, इतना मूवमेंट करवाया, और वो बाप ने बताया ही नहीं, तो भाई ये कह रही हो कि लास्ट में हूं, खत्म करके जाऊंगी, लेकिन बता के बढ़िया चीज जाऊंगी कि टंग का मूवमेंट करवाती है। टंग का क्या करवाती है दोस्तों, ये मूवमेंट करवाती है आपका। टंग का मूवमेंट करवाने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। जब आप बोलते हो, ठीक है, बोलते टाइम टंग की मूवमेंट में क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो ये आपकी कौन सी होगी दोस्तों, आपकी हाइपोग्लोसल हो गई है। मैंने कैसे याद किया था इनको, देखो एकदम मैं वैसे, चलो आगे से बताता हूँ, सारी लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलो वैसे बोलता जाता हूँ फिर बताता जाता हूँ। मैंने ट्रिक बताई, बनाई थी मेरे लिए, मेरी ट्रिक मेरे पे काम करती है। पहले तो तीन ओ आते हैं, ठीक है, तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलो मोटर, फिर ट्रोक्लियर और फिर ट्राइजेमिनल, ये आते हैं ना। तो मैंने ऐसे बताया, तो ओ ओ ओ ताली ताली,
या कई लोग ऐसे इसको ओ थ्री और टी टू भी पढ़ते हैं ना, मैंने ऐसे बनाया था ओ ओ ओ ओ ओ ओ ताली 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 ताली। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती थी जैसे छठवी है एब्डुसेंस, इसके बाद फेसियल, ऑडिटरी, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, इसके बाद वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। ठीक है, देख लेना कोई गलत नहीं लिख दिया हूं। तो इस ओ ओ ओ ताली ताली अवधेश फैल अवधेश गया विज्ञान एंड हिंदी, विज्ञान एंड हिंदी में मैंने ऐसे बनाई थी। आप मैं जरूर नहीं कह रहा मैं आपको याद करूँ तो आप इसको याद कर सकते हो तरीके से। ओ ओ ताली ताली अवधेश फैल अवधेश गया विज्ञान एंड हिंदी में, बस खत्म, वेगस जितनी भी नर्व है। चलो पूरी रामायण को समाप्त करते हैं और रामायण की समाप्ति के बाद में हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा मकसद था उसको, और जितना सिंपल है कि आपको कितना टाइम क्यों दे दिया तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसलिए टाइम दे दिया। तो स्मेल करने के लिए तो एक नाक चाहिए आपको, तो एक नाक चाहिए तो स्मेल करने के लिए कौन सी होती है दोस्तों आपकी, पहली होती है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी। दूसरी विजन के लिए होती है ऑप्टिक, और ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओल्फैक्टरी हो जाएगा, है ना, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी। लिख लो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी होती है, ओल्फैक्टरी होती है जो कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्मेल के रेस्पॉन्सिबल। तो क्वेश्चन ही नहीं हुए, दो ही हुए हैं, टाइम हो गया काफी सारा। चलो कोई नहीं, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कम भी टाइम लेंगे। और नर्वस सिस्टम है तो टाइम की बस वो मत सोचना और बाकी कुछ भी सोच लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। Which clinical indicator does a nurse identify when assessing a client with hemiplegia? कि एक client के अंदर अगर hemiplegia होगा तो क्या होगा? Paresis का मतलब होता है weakness, कि उसकी दोनों lower जो extremities हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, weakness हो जाएगा, या फिर उनके एक side of body में क्या हो जाएगा, paralysis हो जाएगा, या फिर उसकी paralysis both lower extremities में हो जाएगा, या फिर उसकी कमजोर हो जाएंगी क्या upper और lower extremities। ठीक है, तो देख लो एक बार। सबसे पहला है मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, मोनो का मतलब होता है दोस्तों एक, और प्लेजिया का मतलब यहां पे समझो आप, वैसे तो पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस लिखो, चलो समझो क्यों पैरालिसिस। तो एक एक्सट्रीमिटी का पैरालिसिस होना क्या कहलाता है दोस्तों, मोनोप्लेजिया। कोई भी एक एक्सट्रीमिटी हो सकती है, इसमें ध्यान रखना, कोई भी एक एक्सट्रीमिटी, ये भी एक्सट्रीमिटी हो सकती है, देखो एक होगी लेकिन फिर या ये नहीं हुई तो ये होगी, ये नहीं हुई तो फिर ये होगी, और अगर ये नहीं हुई तो फिर ये होगी, और चौथी इसके अलावा पांचवी कोई होगी नहीं। तो अगर एक एक्सट्रीमिटी का किसी भी एनी वन एक्सट्रीमिटी का अगर पैरालिसिस होता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मोनोप्लेजिया के नाम से जानते हैं। इसका जो रीजन जो होता है दोस्तों वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर कोई भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर इसके अंदर हो सकता है। मोनोप्लेजिया के बीच बाद में आता है दोस्तों डाइप्लेजिया, डाई का मतलब हो गया दो और पैराप्लेजिया का मतलब यहां पर पैरालाइसिस। कोई भी दो एक्सट्रीमिटी हो सकती है, कोई भी अगर दो एक्सट्रीमिटी होती है ना दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डाइप्लेजिया के नाम से जानते हैं, टू एक्सट्रीमिटीज। लेकिन 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 आप ऐसे मत कर देना कि आपने इधर की एक्सट्रीमिटी ले ली और एक इधर की एक्सट्रीमिटी ले ली और कह दिया सर ये दो एक्सट्रीमिटी हो गई और ये क्या हो गया आपका, डाइप्लेजिया हो गया। डाइप्लेजिया नहीं होगा, दैट विल बी हेमिप्लेजिया। अगर एक साइड करवा दिया तो हेमिप्लेजिया होगा। दो एक्सट्रीमिटी का मतलब यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों कि जैसे एक एक्सट्रीमिटी ये हो गई, एक एक्सट्रीमिटी ये हो गई, तो दो एक्सट्रीमिटीज होंगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
जैसे दोनों अपर एक्सट्रीमिटी हो सकती हैं, ठीक है, लोअर तो नहीं होंगी, दोनों अपर भी हो सकती हैं या एक एक्सट्रीमिटी हो सकती हैं। डाइप्लेजिया का मतलब ये जरूर ध्यान रखना कि एक साइड की नहीं होंगी, कभी भी ऐसे मत कर देना कि एक साइड की होगी, क्यों, अगर एक साइड की अगर एक्सट्रीमिटी हो गई तो फिर आप इसको हेमिप्लेजिया को और इसको अंतर कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। और अगर दोनों पैरों को भी ले लिया तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैराप्लेजिया में होता है, वो किस में होता है, पैराप्लेजिया में होता है। तो सिर्फ सिंपल याद रखो कि दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं लेकिन एक साइड की नहीं होती हैं, और दोनों पैर भी डायरेक्टली नहीं हो सकते, दोनों हाथ जरूर हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो आता है दोस्तों इसके बाद इसके अंदर, वो आता है आपका हेमिप्लेजिया। डाइप्लेजिया ब्रेन के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होगा, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ब्रेन होगा, तो ये डाइप्लेजिया कहलाएगा। इसके बाद थर्ड आते हैं आपका हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया के अंदर बोल देते हैं इसको वन साइडेड है, या इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ सकता है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ सकता है कि वन साइडेड की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो होंगे, वन साइड एक्सट्रीमिटीज है, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। सेमोलिगम में आपको इसी प्रकार से मिलेगा कि एक साइड का एक एक्सट्रीमिटी और दूसरी एक्सट्रीमिटी, चाहे इधर की साइड का हो चाहे इधर की साइड का हो, किसी भी साइड का हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, वो होगा, ठीक है, या फिर हाफ बॉडी हो जाएगी एक साइड की, ठीक है, वन साइड या वन हाफ ऑफ द बॉडी, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, हेमिप्लेजिया। इसका जो रीजन होता है डिसऑर्डर ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स होता है, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर कोई भी अगर डिसऑर्डर होगा तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, आपको हेमिप्लेजिया देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये मोटर कॉर्टेक्स एक क्वेश्चन आएगा, अपर मोटर न्यूरॉन, उसमें मैं आपको जितने भी जो कॉर्टेक्स उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हेमिप्लेजिया हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, दैट इज पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया, तो पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो लोअर जो एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके अंदर क्या हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, क्या कहलाता है, पैराप्लेजिया। तो बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज भी लिखा हुआ सकता है, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज भी लिखा हुआ सकता है, या लोअर हाफ ऑफ द बॉडी भी लिखा हुआ सकता है, तो दोनों याद रखें आपको। अब बस एक बच गया आपका, पांचवा, ठीक है। तो पैराप्लेजिया जो होता है दोस्तों, इसका जो रीजन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, अपर जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होना। और लास्ट है दोस्तों क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया मतलब कि ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, चारों की चारों एक्सट्रीमिटीज, ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज अगर अफेक्टेड हो गई दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा, आपका क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। अगर चारों एक्सट्रीमिटीज हो गई तो उसके कारण क्या होगा, आपका क्वाड्रीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया होता है। बस अब इसमें लिख लो, क्वेश्चन के ऑप्शन देखो और इसको समझ जाओ। तो इसमें पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, हेमी है तो एक साइड का हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। अगर प्रेसिस की बात करें तो बहुत लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो तो हम इसको पैराप्रेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पैरालिसिस ऑफ द बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज पैराप्लेजिया कहलाता है, ठीक है। इसमें अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रीप्लेजिया हो गया, मतलब चारों जो एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों उनके अंदर क्या होगी, वीकनेस होगी, या टेट्राप्लेजिया भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। तो लिख लो, हेमिप्लेजिया में, हेमिप्लेजिया में एक साइड, या लिखो बॉडी के एक साइड में, एक साइड में पैरालिसिस होता है, एक साइड में पैरालिसिस होता। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द स्कूल नर्स इज अटेंडिंग टू ए, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आपके, आपको अच्छे से दिखे। द स्कूल नर्स इज अटेंडिंग टू ए स्टूडेंट एथलीट हु रिपोर्ट्स, अरे ये कहां जा रहा है, एक स्कूल नर्स है जो अटेंड कर रही है, स्टूडेंट है, एथलीट है वो, हु रिपोर्ट्स मसल पेन आफ्टर प्रैक्टिस सीजन, कि वो जब भी प्रैक्टिस करता है तो उसकी मसल्स के अंदर क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। ये मस्कुलो जो स्केलेटन सिस्टम है ना, उसका क्वेश्चन है ये। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए कॉज ऑफ दिस पेन व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, कि जब उस स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देगी वो, तो उसको ये बताना है कि भाई इसका कॉज क्या था, जो पेन है दोस्तों
उसका क्या कोज था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन मिली, तो ये किस में चेंज होगा? पाइरूविक एसिड में चेंज होगा। पाइरूविक एसिड, दो पाइरूविक एसिड बनते हैं, दो पाइरूविक एसिड इसमें बनते हैं, ठीक है। और अगर ग्लूकोज से दो पाइरूविक एसिड बनेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जब हम ज्यादा देर तक क्या करेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज करेंगे, तो उस दौरान जो मसल्स, उनको ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाती है, थोड़ी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनता है। अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो किसमें कन्वर्ट करती है उसको, लैक्टिक एसिड को। और जब लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या बनाता है दोस्तों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ये, साथ में ये एनर्जी देता है, एटीपी देता है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब हम क्या नहीं मिलती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। तभी हम काफी देर तक जब भागते रहते हैं तो हमारे पैरों में एकदम से दर्द होने लग जाता है, तो वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। कोई भी मस्कुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उसके में जो पेन होता है, उसका भी रीजन क्या होता है दोस्तों, आपका लैक्टिक एसिड ही उसका क्या होता है, रीजन होता है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो भाई ये वो ये पूछ रहा है कि मेरे को पेन होता है तो उसका क्या रीजन है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहे हैं, एथलीट बनना चाहता है वो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे पेन होने लग जाता है, तो उसका रीजन क्या है। तो उसका जो रीजन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ज्यादा खींचेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ है भी नहीं इसमें। इसके बाद ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक जो एसिड होता है दोस्तों, दैट इज फैटी एसिड। ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है। इसके बाद है एसिटो एसिटिक एसिड। तो आप डायबिटीज मेलेटस आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको कीटोन बॉडीज पढ़ाया था, तो तीन कीटोन बॉडीज मैंने आपको बताई थी, एक एसिटोन बताई थी, एक एसिटो एसिटिक एसिड बताई थी, और एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बताई थी। तो एसिटो एसिटिक जो एसिड होता है दोस्तों, दैट इज कीटोन बॉडीज, ये कीटोन बॉडीज होती है। इसके कारण लेकिन पेन नहीं होता है, इसके कारण क्या होता है, एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है, उसका जो रीजन बताया था मैंने आपको, वहां पर दो ही बताए थे कि एक तो एसिटो एसिटिक एसिड और एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक जो एसिड होते हैं, वो क्या कोज करवाते हैं दोस्तों, आपका एसिडोसिस कोज करवाते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो स्टमक में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक क्या करवाता है आपको, सीक्रेशन करवाता है, बस सिंपल सा है। तो लिख लो, लिखो, एक्सरसाइज करने के कारण मसल पेन होता है, जो कि लैक्टिक एसिड बनने से होता है, जो कि लैक्टिक एसिड के बनने से होता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसमें मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, क्वाड्रिप्लेजिया ना, इसमें देखो ये रीजन नहीं बताया ना कि इसका रीजन क्या है। पेरिप्लेजिया का जो रीजन है वो अपर स्पाइन कॉर्ड, क्वाड्रिप्लेजिया का आएगा अपर, इसका अपर आएगा, अभी बताता हूँ। अपर अगर स्पाइनल कोड के अंदर कोई भी इंजरी होती है, दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया होता है। और यहाँ पर लोअर लिख लेना, ठीक है, लोअर लिखो इसको, सॉरी लोअर आएगा इसका ना, लोअर जो स्पाइनल जो कोड होता है दोस्तों, उसके अंदर अगर इंजरी होगी तो उसके कारण क्या होगा, आपका पैराप्लेजिया होता है। लोअर स्पाइनल कोड में इंजरी होने के कारण पैराप्लेजिया होगा, और क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया अपर के कारण होगा। मेरे कंसेप्ट बने हुए हैं, इसलिए मेरे को याद आ गया कि ये रीजन होगा इसका। तो अपर जो स्पाइनल कोड की इंजरी होगी तो क्वाड्रिप्लेजिया होगा, और अगर लोअर स्पाइनल कोड की इंजरी होगी तो पैराप्लेजिया। मैंने सबके रीजन लिखा दिया आपको, है ना, इसका मोटर कोर्टेक्स बताया है, इसका ब्रेन बताया है, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो बताया है, ठीक है। सबके रीजन भी आपको पता होने चाहिए, और सारी जो प्लेजिया है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और मैं इसको कोशिश करूंगा आपको कि सिंपल बनाने की, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डाउट होते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसके बारे में, अर्जुन सर ने एक बहुत अच्छी क्लास ले रखी है क्रैच वॉकिंग के नाम से, तो एक बार आप उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो क्रैचेज के बारे में वहाँ पर दे रखा है। स्केलेटन सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन हुआ है फ्रैक्चर्ड एंकल का। देखो अभी थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आगे आऊँगा। उसका जो एंकल है दोस्तों, वो क्या हुआ है, फ्रैक्चर्ड हुआ है, और एंकल के फ्रैक्चर्ड होने के कारण उसकी सर्जरी की गई है, जिसमें ओपन रिडक्शन और इंटरनल क्या किया गया, फिक्सेशन किया गया है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, कि हम कोई भी ओपन नहीं करें, कोई भी सर्जरी नहीं करें, और मैन्यूवियर के द्वारा, जैसे मान लो कहते हैं हाथ उतर गया तो उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जो इस प्रकार से करेंगे वो एक्सटर्नल फिक्सेशन हो गया, लेकिन हम ओपन करें, ओपन करके फिर बोन को जोड़ने का काम करें, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल फिक्सेशन कहलाता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेशन।
एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब क्या समझोगे आप, कि हमें बॉडी में कोई भी चीज ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे, जैसे मान लो कि आपकी ह्यूमरस जो बोन है, ठीक है, वो स्पिनोइड कैविटी से बाहर निकल गई, तो वो फिक्स, उसको फिक्स करना, वापस से नॉर्मल लाना मैन्यूवर के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्सटर्नल फिक्सेशन कहलाएगा। लेकिन आपने कट किया, ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको बोन दिखने लग गई, फिर आपने बोन को जोड़ा, वो क्या कहलाएगा आपका, इंटरनल फिक्सेशन कहलाएगा। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन को समझाता हूं मैं और एक क्लोज रिडक्शन को समझाता हूं। ओपन रिडक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी भी बोन के अंदर अगर हम मान लो हमने उसको क्या किया, सबसे पहले उसको खोला, क्योंकि इंटरनल फिक्सेशन कर रहे हैं, ओपन किया, ओपन करने के बाद में अगर हम उसमें कुछ भी चीज़, कोई भी मेटेलिक चीज़ का यूज कर रहे हैं, स्क्रूज का यूज कर रहे हैं, प्लेट का यूज कर रहे हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ओपन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए हमने किसका यूज किया दोस्तों, हमने स्क्रू या स्टील का यूज किया है, ठीक है, प्लेट का यूज किया है, प्लेट का यूज किया है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ओपन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और इंटरनल फिक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा कि उसको हमने फिक्स करके फिर हम स्क्रू कर देते हैं या फिर उसको हम प्लेट लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ओपन रिडक्शन कहलाता है। तो उस क्लाइंट की हमने सर्जरी की, अब उसको क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया है। विच बिहेवियर इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन अबाउट द यूज ऑफ क्रैचेज। इस क्वेश्चन में मेन जो यूज है ना दोस्तों, मेन जो चीज है वो क्या है, क्रैच वॉकिंग है, कि भाई जो क्रैचेज का यूज करके, क्रैच का मतलब क्या होता है, क्रैचेज का मतलब होता है दोस्तों, एक तो क्रैचेज होता है, एक वॉकर्स होते हैं, तो आपको वॉकर्स मतलब उसके चार पैर होते हैं, उसको पकड़ के आप चलते हो, तो वो तो क्या हो गए, वॉकर्स हो गए। और क्रैचेज का मतलब वैसा की नहीं होती, जो यहाँ पर लगा लेते हो आप, एक यहाँ लगा लेते हो, फिर उसके द्वारा आप चलते हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, आपको आपके क्रैचेज होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रैचेज होते हैं। तो क्रैच वॉकिंग के बारे में आपको थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूँ। तो क्रैच वॉकिंग, क्रैचेज है ना, तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो आप यहाँ पे लगाते हो क्रैच को, ठीक है, क्रच को यहाँ पे लगा के और फिर चलते हो, मान लो आप एक इधर लगा ली और फिर उसके द्वारा आप, ठीक है, नीचे उसके पकड़ने का था, उसको पकड़ के फिर आप चल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लगा के और यहाँ पे लगा के फिर आप उसको चल रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एक्जिलरी क्रच, एक्जिलरी क्रच के नाम से हम उसे जानते हैं। एक दोस्तों यहां से फोर आर्म से, ठीक है, एक उसके अंदर क्या आता है, हाथ में डालने का आता है फोर आर्म के अंदर, फिर हम चलते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्जिलरी ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे सा होता है, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर पैड लगा रहेगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर नीचे की साइड ऐसे, तो और एक यहाँ पर पकड़ने का भी उसमें होता है, यहाँ पे इस प्रकार से नीचे से ऐसे पकड़ के फिर हम चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, एक्जिलरी क्रच होता है। एक बार आप इमेज देख सकते हो। और दूसरा जो होता है दोस्तों, दैट इज फोर आर्म क्रच। इस फोर आर्म क्रच में क्या होता है, हाथ डालने का होता है, तो उसमें हाथ में डालकर और फिर हम उससे चलते हैं, एक्जिला में नहीं लगाते हैं उसको, यहाँ पर आर्म पे लगा के फिर उसको चलते हैं, तो वो फोर आर्म क्रच कहलाता है, फोर आर्म क्रच। और तीसरा जो होता है दोस्तों, दैट इज प्लेटफॉर्म क्रच, प्लेटफॉर्म, तो सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई भी वीकनेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर हम उसे सपोर्ट देना हो, तो सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या आती है, एक रोड सी आती है, उसे हाथ को क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिलकर फिर उसको पकड़कर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे पकड़ने के लिए दो आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम चलते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखाता ही हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड का टाइम देना आप मुझे। मैं कुछ अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में ही नहीं आए, फिर क्या फायदा, मैं हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये वाला थोड़ा सा हो सकता है साफ दिखिए, थोड़ा तो साफ वाला रख लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रख लेते हैं, लाइट करता हूँ मैं बंद ताकि थोड़ा सा ये दिखे, ठीक है, एक लाइट और है उसको भी बंद कर देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। अब शायद आपको दिखने लग गया होगा, मुझे लगता है,
तो यहाँ पर ये वाला जो है ये एक्जिलरी क्रच है। देखो जैसे इसने ये भाई साहब जो है ये बंदा जो है ना ये जो चल रहा है तो ये एक्जिलरी क्रच है कि एक्जिला पर यूज करके और फिर वो चल रहा है। यहाँ पर नीचे इस पर पकड़ने के लिए तो यहाँ पर ये सपोर्ट दे रहा है तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका एक्जिलरी क्रच हो गया। ठीक है तो ये एक्जिलरी क्रच की आपको इमेज दिख रही होगी। ये एल्बो क्रच है तो यहाँ पर ये जो दिख रखा है दोस्तों ये इसमें इसने पहन लेते हैं हाथ में और फिर यहाँ से नीचे इसमें पकड़ने के लिए होता है ये एल्बो क्रच है। तीसरा जो दे रखा है इसको गैटर क्रच बोलते हैं या फिर हम प्लेटफॉर्म क्रच बोलते हैं प्लेटफॉर्म क्रच। तो इसमें यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए ये सपोर्ट देने के लिए और यहाँ पर ये इसको पकड़ने के लिए है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म क्रच के नाम से जानते हैं। तो तीसरा जो क्रच है गैटर क्रच है या फिर हम इस किस नाम जानते हैं प्लेटफॉर्म क्रच के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करते हैं। हमारे लिए मेन ये है जरूरी ठीक है हम एक्जिलरी जो क्रच है वही पढ़ेंगे वही हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं बाकी से हमारे क्वेश्चन आते भी नहीं है लेकिन मेरे टाइप है तो बता दिया मैंने दोस्तों। इसके बाद आता है कि हाइट ऑफ द क्रच कितनी ऊंची है तो पर्सन की खुद की जितनी हाइट है ओ सॉरी दूसरी लाइट ऑन कर दी मैंने सामने से दिखने लग गया। पर्सन की जो खुद की जो हाइट है दोस्तों कम से कम उससे 16 इंच कम होना चाहिए 16 इंच कम होना चाहिए। और ये जो क्रैचेज जो आते हैं ना इनके अंदर हाइट एडजस्टेबल होती है ये उठ जाते हैं ऊपर नीचे चले जाते हैं थोड़ा तो अब स्क्रू को खोल कर उसको हाइट को क्या कर सकते हैं दोस्तों हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ऐसे जो हाथ से जो सपोर्ट देने के लिए पकड़ते हैं ना उसको भी हम क्या कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आ जाता है कि हाइट ऑफ द क्रच कितनी होनी चाहिए कम से कम 16 इंच लेस देन हाइट होनी चाहिए लेस देन जो हाइट है जिसकी पर्सन की उस पर्सन की हाइट से कम 16 इंच क्या होनी चाहिए दोस्तों हाइट कम होनी चाहिए। इसके बाद वेट बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर इसी से निकलेगा। वेट बेयरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपने यहाँ पे लगा लिया उसको बिल्कुल यहीं से पकड़ के आप क्या कर रहे हो चल रहे हो पूरा जोर आपने एक्जिला के ऊपर दे दिया। तो वेट बेयरिंग शुड नॉट बी ऑन एक्जिला शुड नॉट बी ऑन एक्जिला एक्जिला के ऊपर पूरा वेट मत दे देना कभी भी क्योंकि एक्जिला के अगर आपने पूरा वेट दे दिया तो यहां से प्लेक्सस निकलता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों ब्रैकियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं जो कि आपके एक्जिला और शोल्डर तक जाता है। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस की क्या कोज करवा सकता है इंजरी कोज करवा सकता है ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी कोज करवा सकता है। इसलिए पूरा जो वेट है वो आपको कभी भी किस पे नहीं देना एक्जिला पे नहीं देना ये भी जरूरी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों क्या क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द टो मतलब आपके जो पैर है ना उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये है आपका एक पैर और ये है आपका दूसरा पैर ये अगर आप इसको साइड में रख रहे हो तो साइड में कम से कम इसकी जो दूरी है मतलब क्रच को आप ऐसे रखोगे ना अपने साइड में ऐसे ठीक है ऐसे आपने लगा लिया और यहाँ पे साइड में रख रहे हो तो साइड में जब आप रखोगे ना तो ऐसे नहीं कि पैर में ठूस दिया आपने तो कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए आपके पैर से 4 से 6 इंच की क्या होनी चाहिए दूरी होनी चाहिए दोनों क्रच की 4 से 6 इंच की क्या होनी चाहिए दूरी होनी चाहिए। और अगर आप आगे रख रहे हो क्रच को ठीक है क्रच को अगर आप आगे रख रहे हो दोस्तों तो कम से कम 6 से 10 इंच दूर रखोगे 6 से 10 इंच की क्या करोगे आप उस पर दूरी रखोगे। और ऐसे भी नहीं इसको जब सपोर्ट दोगे ना आप सपोर्ट देते टाइम भी आपको पूरा एक्जिला पे सपोर्ट नहीं देना कि भाई आपने एक्जिला पे रख दिया यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देना है ठीक है ऐसे नहीं कि आपने टच करा दिया टच करवाओगे देखो वेट बेयरिंग अलग चीज है टच करवाना अलग चीज है टच करवाने के कारण अल्सर हो सकता है और पूरा वेट देने के कारण ब्रैकियल प्लेक्सस क्या हो सकती है इंजरी। अब मान लो एक्जिला भी लगा रहेगा वो उसके कारण क्या होगा यहाँ पर अल्सर भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कम से कम 2 से 3 फिंगर के यहाँ पर एक्जिला के बीच में और आपका जो क्रच उसके बीच में क्या होना चाहिए गैप होना चाहिए। और अगर इंच में पूछता है तो 1 से 1.5 इंच का क्या होना चाहिए दोस्तों गैप होना चाहिए। आगे इसमें यह आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये कोई भी पर्सन है ठीक है इसमें तो एक्जिला बनानी ही पड़ेगी ये कार्टून से काम नहीं चलेगा ये पर्सन है और ये इसके एक्जिला है ये इस पर्सन की एक्जिला है। यहाँ पर कम से कम जो आपका जो क्रच है उस क्रच में कम से कम दोस्तों जो डिस्टेंस जो है ठीक है यहाँ पर इसने इस पकड़ रखा है ये कम से कम 2 से 3 फिंगर का गैप होना चाहिए 2 to 3 फिंगर गैप। और अगर वैसे पूछता है तो लगभग 1 से 1.5 इंच का क्या होना चाहिए यहाँ पे गैप होना चाहिए 1 से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए नहीं तो ये अल्सर कोज कर सकता है। चलो नेक्स्ट देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सारे जो भी अभी बता रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। एंगल ऑफ द एल्बो अब आप नीचे से पकड़ने के लिए दोस्तों एंगल को मोड़ोगे ना आप ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे भी पकड़ सकते हो ऐसे पकड़ोगे कैसे पकड़ना है तो एंगल को आपको जो एल्बो है उसको क्या करना पड़ेगा आपको मोड़ना पड़ेगा तो लगभग 20 से 30 डिग्री आप एंगल से क्या करते हो उसको मोड़ते हो।
अगर ऑप्शन में 20 भी आए और 30 भी आए तो फिर 30 को क्या मानोगे आप, राइट आंसर मानोगे। तो 20 से 30 डिग्री का एंगल देते हैं, अगर एक ऑप्शन चुनना हो 30 डिग्री उसको आप मानोगे। नेक्स्ट, और है क्या कुछ इसमें? नहीं। अब इसके बाद उसमें चलते कैसे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ गेट। गेट का मतलब होता है बैलेंस, कि आप बैलेंस बनाकर कैसे चलते हो भाई, दोनों को आगे रखोगे, दोनों को साथ रखोगे, दोनों को एक साथ रखोगे, एक पैर को एक एक जो आपके जो क्रेच है उसको रखोगे, तो किस प्रकार से रखा जाता है उसके आधार पर इसके क्या होते हैं दोस्तों, क्रेच वॉकिंग के टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ गेट बोलते हैं इनको। सबसे पहला है दोस्तों टू पॉइंट गेट। तो टू पॉइंट गेट का मतलब क्या हो गया, दोनों चीजों को आपको एक साथ रखना है, दोनों चीजों को मतलब यहां पर टू पॉइंट गेट का मतलब यहां पर दोनों चीजों को मतलब ये मत समझना कि दोनों पैरों को और दोनों आप जो क्रेचेज है उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो टू पॉइंट गेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किस प्रकार से रखोगे, जैसे राइट जो फुट है, राइट फुट है दोस्तों उसके साथ में आप, या राइट जो क्रच लिखो पहले, राइट साइड मान लो आपको इंजरी हो रही है ये मान सकते हो आप, तो आप राइट क्रच को एंड लेफ्ट फुट को एक साथ रखोगे, लेफ्ट फुट को। उसके बाद में दोस्तों लेफ्ट क्रच को, लेफ्ट आपका लेफ्ट जो क्रच है उसको एंड राइट जो फुट है उसको साथ रखोगे, ठीक है। ऐसे आपको समझना है कि भाई दोनों दो चीजों को साथ रखना है, टू पॉइंट मतलब दो चीजों को साथ रखना है यहाँ पे। तो एक तो क्या हो गया आपका क्रच हो गया, और एक चीज क्या हो गई आपके दोस्तों, फुट हो गई, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है दोस्तों, लेफ्ट साइड है, तो इसमें क्या करना है आपको, राइट क्रच को, ठीक है, तो राइट क्रच मतलब आपकी राइट की वैसाखी को उसको, और साथ में आपका लेफ्ट क्या होना चाहिए, फुट होना चाहिए, उनको एक साथ रखोगे आप। जैसे इसको रखोगे और साथ में आपके पैर को रखोगे, फिर इसके बाद इस इधर ये वाला हाथ लोगे, मैं ऊपर इसलिए कर रहा हूं आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर इसके बाद क्या रखोगे दोस्तों, लेफ्ट जो क्रच है उसको रखोगे और उसके साथ में जो आपका राइट जो फुट है उसको एक साथ रखोगे, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ऑपोजिट करना है आपको, आपको ऑपोजिट करना है, राइट जैसे इसमें आपने क्रच लगा रखा है तो दोनों में ही है क्रच, तो राइट क्रच को रखा आगे एक साइड, उस साथ में राइट क्रच के साथ में आप क्या रखोगे, आपका लेफ्ट फुट रखोगे। उसके बाद में दोस्तों क्या रखोगे, आपका राइट क्रच और लेफ्ट फुट हो गया, फिर लेफ्ट जो क्रच है उसको रखे और फिर राइट फुट को इस प्रकार से रखोगे, राइट क्रच लेफ्ट फुट, फिर लेफ्ट क्रच और राइट फुट, लेफ्ट क्रच और राइट फुट इस प्रकार से आप रखोगे, ठीक है। लेफ्ट क्रच जो है उसको रखोगे, उसके साथ में राइट फुट को रखोगे, इधर वालों को रखोगे, फिर ऐसे रखोगे। तो इस प्रकार से आपको चलना हो तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, टू पॉइंट गेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम किस नाम जानते हैं, टू पॉइंट गेट के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बस आपको उस तरीके से आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। सर ने जो क्लास रखी है उसमें और भी डिटेल में अच्छे से आपको समझा रखा है। थ्री पॉइंट गेट का हम यूज जब करते हैं दोस्तों, जो पर्सन है ना वो थ्री पॉइंट हो गया, थ्री पॉइंट होने पर थ्री पॉइंट गेट बनता है। थ्री पॉइंट होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि उस पर्सन के जो एक जो लेग है ना, एक जो लेग है, वन जो लेग है, वन लेग, वो बिल्कुल क्या हो गई है, वीक हो गई है, और उसको वो क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। या हो सकता है कि एक जो लेग है दोस्तों उसकी वो एम्प्यूटेड ही हो गई है, ही नहीं एम्प्यूटेड हो गई। तो एक लेग का जब हम यूज नहीं कर सके, और तो उसे हम किस नाम जानते हैं, थ्री पॉइंट गेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सारी चीजें इसी से पूछी जाती हैं। थ्री पॉइंट गेट देगा भी नहीं तो भी वैसे कहेगा कि भाई सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे, उतरोगे कैसे, बैठोगे कैसे, ठीक है, खड़े कैसे होगे। तो ये सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं, थ्री पॉइंट गेट से रिलेटेड आते हैं। थ्री पॉइंट गेट के अंदर आप क्या करोगे, थ्री पॉइंट जो गेट है दोस्तों उसके अंदर आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये इसके बारे में मैं बताता हूं कि अब आपके पास एक एक पैर है, वो उसको आप यूज ही नहीं करना, तो आपको किसको यूज करना है दोस्तों, जो सही पैर है सिर्फ उसका आप यूज कर सकते हो। तो एक पैर को आप उठा के लंगड़ी जैसे चलते हैं, ऐसे मान लो कि आप लंगड़ी चल रहे हो, कि आपका एक जो पैर है उसको आप क्या नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, और आपको सिर्फ क्रच का यूज करना है, और जो आपका जो एक जो बचा हुआ पैर है, जो गुड पैर है, ठीक है, जो खराब है उसको वीक या बैड मान लो, और जो एक अच्छा पैर है उसको मैं क्या बोलूंगा, गुड पैर बोलूंगा। तो उससे आप चलोगे, उससे आप कैसे चलोगे दोस्तों, आपको क्या क्या यूज करना है, आपको बोथ क्रच एंड बैड लेग, ठीक है, जो वीक लेग है उसको बैड लेग, उसके बाद में आप किसको चलाओगे, आपकी गुड लेग को, गुड जो लेग है, गुड फुट भी लिखा हुआ सकता है, उसको चलाओगे आप। ये तरीका होता है, उसमें क्या होता है देखो, अभी आप समझाता हूँ। आपके दोनों एक, आप ऐसे लंगड़े बन गए, आप जब ऐसे लंगड़े बन गए दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों जो क्रच है जैसे उनको आगे ले जाओगे, साथ में आपके जो बैड लेग है उसको लेके जाना है, फिर आपको क्या करना है, गुड लेग को रखना है, फिर आपको आगे वापस रखना है, उसके साथ में बैड लेग को लेके जाओगे, फिर आपको क्या रखना है दोस्तों, गुड लेग। तो क्रैचेज का यूज करोगे, साथ में बैड लेग जाएगी, क्रैच के आगे जाने के बाद फिर आप जो अपना पैर है वो लेके आओगे, फिर आगे उसको वापस क्रैच के साथ बैड लेग आगे जाएगी, और फिर आपकी जो गुड लेग उसको लेके आओगे। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, थ्री पॉइंट गेट के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कंफ्यूज लगे तो आप इसको याद कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो,
वीडियो के माध्यम से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, मैं एक बार तो सोच रहा था कि क्रेच ला के आपको समझा ही दूँ, बट मुझे ऐसा मिला नहीं कोई सिस्टम, नहीं तो मैं आपको करके दिखाते, फिर कभी हम कोई वीडियो बना के छोटी सी मैं आपको डालूंगा तो मैं आपको और अच्छे से इसको समझा दूंगा। अब फोर पॉइंट गेट, फोर पॉइंट में चारों को यूज करना है आपको, दोनों हाथों का दोनों पैरों को यूज करना है, लेकिन इसमें सिमिलटेनियसली यूज नहीं करते, एक साथ यूज नहीं करते हैं, तो उसे हम फोर पॉइंट गेट बोलते हैं। कैसे, सिंपल सी बात है, देखो कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। आपने राइट क्रच का यूज किया, राइट क्रच को आपने मान लो जो राइट जो क्रच है आपके हाथ में उसको आपने आगे रखा, इसके बाद उसके साथ क्या रखोगे आप, लेफ्ट फुट को रखोगे, किसको रखोगे, लेफ्ट फुट को। वहां पर हमने दोनों चीजों को देखो अंतर क्या है, आपको सर वहां भी तो यही कर रहे हैं, यहां पर राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट को हम एक साथ रख रहे हैं, ठीक है, सिमुलटेनियसली रख रहे हैं, या फिर हम टुगेदर रख रहे हैं एक साथ, यहां पर फिर लेफ्ट क्रच और राइट फुट को भी हम क्या रख रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं टुगेदर या सिमुलटेनियसली रख रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, फोर पॉइंट गेट के अंदर एक एक चीज रखेंगे हम, फोर पॉइंट गेट में एक एक चीज रखेंगे, जैसे हमने राइट क्रच रखा, राइट क्रच, जैसे आपने राइट क्रच यहाँ पर ये राइट हैंड है, राइट क्रच रख दिया, इसके साथ में फिर आप लेफ्ट जो फुट है उसको लेके जाओगे, फिर लेफ्ट क्रच, फिर राइट फुट, ऐसे लेके जाएंगे। तो राइट क्रच रखेंगे, उसके बाद में हम हमारा जो लेफ्ट जो फुट है उसको रखेंगे, फिर उसके बाद में हम लेफ्ट क्रच रखेंगे, लेफ्ट क्रच रखेंगे, और उसके बाद में हम फिर क्या रखेंगे दोस्तों, राइट फुट रखेंगे, राइट फुट, ठीक है। थोड़ा सा एक साथ इनको लिख लेना सिक्वेंस वाइज, तो याद हो जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, अगर आप इनको सिक्वेंस वाइज लिखोगे ना जैसे मैंने लिख रखा है तो आपको याद हो जाएगा कि भाई फोर पॉइंट गेट के अंदर एक एक करके चीजें को लेके जाएंगे हम, जैसे राइट क्रच को लेके, फिर लेफ्ट फुट को लेके, फिर लेफ्ट क्रच, ठीक है, और राइट फुट, ऐसे लेके जाना है आपको। तो आप इनको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट दो चीजें आती हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों कि मतलब चलते टाइम हमें क्या यूज करना पड़ता है कि भाई आपको आपकी क्रच और जो पैर है ना उनको आगे पीछे लाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग है स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट। अभी मैं समझा दूंगा, मैं आपने दोनों जो क्रच है ना स्विंग टू गेट मतलब दोनों क्रच आपने रख दी, दोनों क्रच सबसे पहले आप दोनों क्रच को आगे रखो, ठीक है, क्रच रखने के बाद में जो आपके जो दोनों पैर हैं वो क्रच के लेवल तक लेके जाओगे आप, ठीक है। जैसे क्रच, ये क्रच है, इनको आगे रख दिया, इनको रखने के बाद पहले इनको आगे रखोगे, फिर उसके बाद में क्या रखोगे, आपके जो फुट है ना आपके फुट इसके क्रच के लेवल पे आएंगे, यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे, अगर आगे चले गए तो वो क्या कहलाएगा, थ्रू गेट, मतलब कि आपके जो क्रच है आप उससे भी क्या बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने दोनों क्रच रखे और जहां पर क्रच रखे हुए ना उसी लेवल पे आप अपने दोनों क्या लेके जाओगे दोस्तों, फुट लेके जाओगे, दोनों क्रच रखे दोनों आप क्या लेके जाओगे, फुट लेके जाओगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्विंग टू गेट के नाम से हम इसे जानेंगे। और स्विंग थ्रू गेट में क्या होगा कि आप दोनों आपने क्रच रखे, पहले आपने क्रच रखे दोनों, ठीक है, क्रच रखने के बाद में दोस्तों जैसे आपके पैर पीछे थे, ये आपके पैर हैं ये पीछे थे, लेकिन आगे आप क्या करोगे, आगे जब आप जाओगे ना तो ये आपके क्रच, लेकिन आपके फुट इस क्रच से भी क्या चले जाएंगे दोस्तों, आगे चले जाएंगे, मतलब इसको क्रॉस कर गए थ्रू इसके, मतलब आपके जो क्रच के बीच में जो गैप है ना उसको क्रॉस करके आपने जो फुट, आपने जैसे क्रच रख दिया, अब आपको इतना आगे जाना है कि आप क्रच को भी क्रॉस करके फिर आगे, फिर वापस क्रच रखो, ठीक है, वापस निकलता हूँ, ये क्रच है, क्रच रखी, ठीक है, आपको क्रच से भी क्या निकलना है, आगे, क्रच यहाँ है पीछे है, ठीक है, फिर आपको वापस में क्रच रखना है, फिर वापस और आगे निकल जाना है, तो इसे हम किस बोलते हैं, स्विंग थ्रू गेट बोलते हैं। सिंपल सी एक लाइन याद रखना कि इसके अंदर ये इसको क्रॉस नहीं करता है, किसको, आपके जो क्रच है उसे आगे नहीं निकलता है, जबकि इसके अंदर जो आपके जो फुट हैं वो क्रॉस, क्रच से भी क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ये फुट है आपके, है ना, तो फुट क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्विंग थ्रू गेट के नाम से हम इसे जानते हैं। और सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा नहीं, अगर मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाऊं या बिना का ऐसे, मैं इसको सिंपल भी पढ़ा सकता हूँ आपको, मैं सिंपल चार ऑप्शन बता देता, ऐसा होता है, आप कहते सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई टफ चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे एग्जाम क्रैक करवाना है आपका, मेरा ये मकसद नहीं है कि भाई बस ये सिंपल सिंपल चीज़ें बता दूँ और आपका हो गया, मेरे तो कोई जोर ही नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपके दिमाग को जोर लाना ही पड़ेगा आपको, और आपको उनको समझना ही पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है, और वो मैं भी करवाऊंगा। अब देखो सिटिंग, बैठते टाइम आपको क्या करना है, बैठते टाइम कुछ नहीं करना आपको, देखो आपके इसमें सिटिंग, स्टैंडिंग और स्टेयर्स को चढ़ना और स्टेयर से उतरना, ये सब हम थ्री पॉइंट गेट के थ्रू बात कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड रहते हैं, थ्री पॉइंट गेट से आते हैं कि आपकी एक टांग काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक टांग जो आपकी वो वीक है और एक क्या है दोस्तों आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पीछे चेयर है, ठीक है, तो आप उल्टा हो जाओगे, जैसे चेयर ऐसे है तो ऐसे ऐसे नहीं होना आपको कभी भी कि चेयर ऐसे और आप ऐसे बैठोगे, नहीं, आपको चेयर पीछे की साइड आपकी रखी हुई है, पीछे की साइड आपकी चेयर रखी हुई है, तो आप ऐसे बैकवर्ड जाओगे, ठीक है, बैकवर्ड जाकर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो जो आपकी अनअफेक्टेड साइड है, मतलब जो आपका पैर बिल्कुल सही है,
जो आपका पैर बिल्कुल सही है उससे आप उस चेयर को क्या करोगे, टच करोगे, आपको पता लग गया भाई अब मैं मेरा जो सपोर्ट है वो मुझे मिल रहा है, किससे, तो चेयर से मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, चेयर से सपोर्ट मिलने के बाद आपके जो दोनों दोनों जो क्रच हैं उनको आप जो जो अफेक्टेड जो साइड है उसमें ले लोगे। इधर वाला हमारी साइड ठीक है ऐसे मानेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊंगा कि जो लेफ्ट साइड वो हमारी ठीक है और राइट साइड में क्या हो रही है दोस्तों, अफेक्ट हो रही है। तो मैं ऐसे जाऊंगा पीछे और पीछे जाके अपने इस वाले पैर से जो कि मेरा सही पैर है, लेफ्ट वाला मेरा सही पैर है, इससे इसको टच कर लूंगा मैं। अब मेरे को समझ में आ गया हमें पीछे क्या है, चेयर है, मैंने इसको टच कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो दोनों क्रच हैं उनको जो मेरी साइड क्या है दोस्तों, वीक है, इधर वाली जो साइड क्या है, वीक है, ये वाली सही थी, तो इसमें दोनों क्रच को मैं पकड़ लूंगा। अब मेरा ये हाथ बिल्कुल क्या हो चुका, फ्री हो चुका, और जो दोनों जो क्रच है दोस्तों वो मेरे इस हाथ में है, दोनों क्रच मेरे इस हाथ में, और मेरे को सपोर्ट मिला हुआ है पैर का, ऐसे मैं गिरूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इसका क्या लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है। इधर वाली जो मेरी पैर है वो चाहे आप उठा हुआ मान लो या फिर आपको वीक मान लो, ऐसे आप उसको मान सकते हो। अब सपोर्ट मिलने के बाद में दोनों क्रच मेरे इस हाथ में है, ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरा हाथ फ्री हो गया अब, और ये अफेक्टेड साइड भी नहीं है, ये नॉर्मल साइड है, तो मेरे मैं क्या करूंगा, इसका सपोर्ट लेते हुए अपने आप को क्या करूंगा, बेंड करूंगा और ऐसे करके बैठ जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके मैं बैठ गया, ये मैं बैठ गया, ठीक है। बैठने के बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगा, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप बैठ चुके, आपने फ्लेक्स कर लिया, तो कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, देखो जैसे ये है चेयर, आपको मैं बना के समझाता हूँ, ये आपकी चेयर भी नहीं बनानी आती मुझे, तो ये चेयर है, ये चेयर है बैठने की, ठीक है, ये चेयर है बैठने की। तो सबसे पहले आप पीछे साइड आओगे, इसका क्या लोगे, सपोर्ट लोगे, तो सपोर्ट फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग, ठीक है, अनअफेक्टेड लेग। आप कौन से, किस में हो, बैकवर्ड हो आप, ऐसे नहीं हो कि आप चेयर की तरफ, ऐसे नहीं हो चेयर की तरफ, ऐसे हो चेयर आपके पीछे रखी हुई है, ठीक है। तो सपोर्ट विद, सपोर्ट फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग से आप क्या लोगे, सपोर्ट लोगे। फिर टेक बोथ क्रचेज इन हैंड, कौन सी साइड की हैंड में, मैं हेड की इंजरी नहीं बता रहा, कि हैंड में इंजरी है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि हम उस साइड में लेंगे जो साइड क्या है, अफेक्टेड साइड है, जिस साइड आपका पैर है वो वीक है, कमजोर है या एम्प्यूटेड है, अब उसको रख नहीं पा रहे हो, तो अफेक्टेड जो साइड है उसमें हम क्या रख लेंगे, क्रच को ले लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, बैंड होंगे, मतलब हमारे पैर को बैंड करेंगे एंड सिट, उसके बाद हम बैठ जाएंगे, बस इतना ही करना है आपको। अब स्टैंडिंग में क्या करोगे आप, स्टैंडिंग में दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप खड़े होगे तो खड़े होने पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी वापस से जो क्रैचेज हैं वो उसी में रहेंगे, ठीक है, तो हमको क्रैच उसी में लेने के जिसमें है उसी में रखते हैं, तो क्रैचेज इन हैंड कौन सी साइड में है, अफेक्टेड साइड, जिस साइड इंजरी है उस साइड में आपके क्रैचेज दोनों अभी भी किस में है दोस्तों, अफेक्टेड साइड में, यहाँ पर आपने दोनों क्रैचेज को क्या कर रखा, पकड़ रखा है और आप बैठे हुए हो, ये आप बिल्कुल सही हो इस तरफ से, ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, जो अफेक्टेड साइड की जो लेग है, अगर आपके लेग है मान लो एम्प्यूटेड नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, सीधी करोगे। अब मैं यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता ना, सीधी करके गिर जाऊंगा मैं, ऐसे सीधे करेंगे हम, ऊपर की साइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लेग को क्या करेंगे, या अफेक्टेड लेग को एक्सटेंड करेंगे, अगर है तो एक्सटेंड द अफेक्टेड लेग को हमने क्या कर दिया दोस्तों, एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड द अफेक्टेड लेग। अब मैं देखो यहाँ पर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो और मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, जो क्रैचेज हैं उनको ले रखा है, ये क्रैचेज हैं ये मेरे अफेक्टेड साइड के अंदर हैं। अब अफेक्टेड साइड में मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अब इसकी लेग को मैं क्या करूँगा, अपनी लेग को क्या करूँगा, सीधा करूँगा। इसके बाद मुझे सपोर्ट देने के लिए अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, खड़ा होऊंगा, तो खड़ा होने के लिए जैसे जो पीछे जो चेयर है उसका जो अनअफेक्टेड साइड का जो मेरा हैंड है उससे ग्रिप बना के, और जो मेरा अनअफेक्टेड लेग है उससे मैं क्या होऊंगा दोस्तों, उस पर फोर्स देकर मैं क्या होऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। इस साइड मेरा ये वाला जो साइड मेरा ये क्या है दोस्तों, ये अफेक्टेड है, इसमें मेरे दोनों क्रैचेज हैं, इस साइड का मैं सपोर्ट नहीं लूंगा, इस वाली लेग को तो मैं एक्सटेंड रखूंगा, ऊपर कर लूंगा, मतलब सीधा कर लूंगा मैं इस लेग को, और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड में मैं पीछे से सोफे को ऐसे पकड़ूंगा, और पकड़ कर फिर मैं ऐसे क्या हो जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रेशर इसी पे आएगा ना जो अपने अनअफेक्टेड है, तो इससे मैं खड़ा हो जाऊंगा बस, और फिर उसको दोनों हाथों को पकड़ के चलने लग जाऊंगा जैसे चलते हैं क्रैच वॉकिंग में। मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ भी रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इस पे अच्छे से, आपको वो डालूंगा फिर मैं, ठीक है। तो एक्सटेंड द अफेक्टेड लेग, इसके बाद में आप क्या करोगे, स्टैंड
स्टैंड बाई गिविंग सपोर्ट फ्रॉम अनअफेक्टेड लेग एंड अनअफेक्टेड साइड हैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इससे भी क्वेश्चन आता है, भाई आपकी लगी हुई है, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो आप सीढ़ी कैसे चढ़ोगे, ठीक है, तो कैसे उतरोगे। तो इसमें याद रख लेना, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप ऊपर जाओगे, गुड, और अगर आप बुरा काम करोगे, डाउन करोगे, तो आप क्या जाओगे, नीचे जाओगे। तो डाउन करोगे तो आप कैसे जाओगे दोस्तों, बैड, बुरा होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों क्रोचेज को, बोथ क्रेच एंड गुड लेग को आप ऊपर लेके जाओगे पहले, एंड गुड लेग को ऊपर लेके जाओगे, आप स्टेयर पे लेके जाओगे, और उसके बाद में आप क्या लेके जाओगे, आपकी जो बैड लेग है उसको या अफेक्टेड लेग है उसको, अफेक्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है इसको। और डाउन उतरते टाइम, अब समझा देता हूँ एक बार, जैसे मान लो आपके पास ये दोनों आपके क्रैचेज हैं, ठीक है, और ये वाली जो टांग है ये आपकी टूटी हुई है, या इधर वाली जो पैर है उस पर आप लगी हुई है। तो जैसे आप ऊपर चढ़ोगे, तो ऊपर चढ़ते समय आपको क्या करना पड़ेगा कि जो गुड वाली जो लेग है उसका यूज करोगे आप, तो दोनों क्रैचेज का यूज करके, और जो आपकी गुड लेग है उसको आप आगे आओगे, और फिर जो अनअफेक्टेड लेग है उसको बाद में लेके आओगे आप आगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है, तो आपको क्या करना है, दोनों क्रैचेज लोगे, साथ में गुड लेग उसको आप स्टेयर पे लेके जाओगे, और फिर बैड लेग पे। उतरते टाइम उल्टा करना है आपको, उतरते टाइम क्या करना है दोस्तों, आपको उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है, पहले आपको अपने जो बैड लेग है उसको रखोगे साथ में, बैड लेग के साथ में, फिर आप क्या करोगे उसके बाद में, दोनों क्रैचेज को रखोगे, तो बोथ क्रैचेज, और उसके बाद में आप क्या रखोगे, आपकी गुड लेग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्टेयर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश किया समझाने की, हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा फेल भी हो गया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ था ये, और बिना क्रैचेज के समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए ये। फिर भी मैंने कोशिश किया आपको हर चीज़ समझाने की। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, हो सकता है कि हमारा आपको समझ में आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। फर्दर का मतलब हमें इनमें से ये समझना है कि ये जो उस पेशेंट को समझा रही है ना, वो जब हमें वापस बता रहा है तो उसमें गलत चीज़ बता रहा है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। हमें इसमें क्या ढूंढना है दोस्तों, रॉन्ग स्टेटमेंट, गुड स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला क्या दे रखा है कि आपको आगे चलते समय एडवांसिंग द बोथ क्रैचेज। अब देखो इसकी एक लेग तो वीक हो गई ना, क्यों, क्योंकि उसकी क्या हुई है, एंकल सर्जरी हुई है। तो जिसकी एंकल सर्जरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो लेग वीक हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से जो 3-point गेट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसमें आदमी क्या करेगा। तो 3-point गेट में क्या करेंगे हम, एडवांसिंग द बोथ क्रैचेज विद द वीकर लेग। आ जाओ, देखो, एडवांसिंग द बोथ क्रेचेज विद द वीकर लेग। बैड बोल दो, वीकर बोल दो, अफेक्टेड बोल दो, एक ही बात है, यही कर रहा है ना, एडवांसिंग द बोथ क्रेचेज विद वीकर लेग, यही कर रहा है। बोथ क्रेचेज को ले रहा है, साथ में वीकर लेग को लेके जा रहा है, फिर उसके बाद में किसको लेके जा रहा है, गुड लेग को लेके जा रहा है। यही बात कही है इसने यही तो बात कही है ना, कोई नई बात तो नहीं कही, तो इसने यही कहा है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपको एडवांस करना है, मतलब आपको आगे की साइड जाना है, कैसे, दोनों क्रैचेज को साथ लोगे, और साथ में किसको लोगे दोस्तों, बैड लेग को लोगे, वीकर लेग को लोगे, तो उससे उसको वीकर लेग को क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लीनिंग एक्जिला ऑन द क्रैचेज टू सपोर्ट द बॉडी वेट, कि भाई एक्जिला के ऊपर झुक जाओ क्रैचेज पे, और पूरे बॉडी वेट को एक्जिला के ऊपर डाल दो। गलत है ये ऑप्शन, ये ब्रैकियल प्लेक्सस की क्या करवाएगा, आपको इंजरी करवाएगा, यही तो हमें ढूंढना था, ये गलत कह रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी करवाएगा, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। तो यही हमें ढूंढना था, लेकिन हमारा काम सिर्फ ढूंढना नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफरिंग द क्रैचेज इनटू वन हैंड व्हेन सिटिंग इन ए चेयर। भाई आप चेयर पे बैठोगे, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब आप चेयर पे बैठोगे तो जो आपकी अफेक्टेड साइड है, वीकर साइड है, उसमें आप दोनों क्या रख लोगे, क्रैचेज उसमें ले लोगे, दोनों क्रैचेज उसके अंदर ले लोगे आप, ठीक है। फिर आपको जो आपकी स्ट्रॉन्ग जो टांग है, जो आपकी ठीक टांग गुड है, गुड लेग है, उस पर आप क्या करोगे दोस्तों, उसके थ्रू बैठोगे। यही कह रहा है कि भाई आपको ट्रांसफर करना है, तो गलत नहीं कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब डिसेंडिंग स्टेयर, कि आपको जब नीचे उतरोगे जब क्या करोगे, मूविंग द क्रैचेज बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन द डिसेंडिंग स्टेयर्स।
ठीक है, मूविंग द क्रचेज बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर्स, कि आपको क्या करना है दोस्तों कि दोनों क्रचेज को लेना है और साथ में आपको क्या लेना है, जो आपकी अनअफेक्टेड लेग है उसको लेना है। गुड लेग को हम क्या लेंगे, बाद में लेंगे। तो सही कह रही है, मूविंग द क्रचेज बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग द स्टेयर्स, ठीक है। इसमें यही करते हैं हम, क्या करते हैं कि भाई दोनों क्रचेज को लेते हैं और दोनों क्रचेज के साथ में जो आपकी अनअफेक्टेड है उसको, फिर बाद में किसको लेके जाते हैं, गुड लेग को लेके जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ठीक है। ठीक है, मैंने किस तरीके से लिखवाया आपको एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि लिखवाने के तरीके से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। ये बैड लेग प्लस बोथ क्रचेज लिखना ना इसमें, ऐसे ये मत लिखो आप, इसमें लिखो बैड लेग प्लस बोथ क्रचेज, साथ में बैड लेग के साथ में क्या जाएंगे, बोथ क्रचेज जाएंगे। तो इसमें यही कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि मूविंग द क्रचेज बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग द स्टेयर्स, ठीक है। नीचे उतरते टाइम क्या करोगे आप, जो क्रचेज हैं उनको रखोगे उनके साथ में, ठीक है। जैसे क्रचेज रख दी, उनके साथ में क्या लेके जाओगे आप, अनअफेक्टेड लेके जाओगे, और फिर गुड लेग उसको बाद में। जब कि आप जब आप स्टेयर्स पे जाओगे तो उल्टा करना पड़ेगा, तो इसमें डिसेंडिंग स्टेयर्स है, मतलब नीचे की तरफ आप आ रहे हो, तो क्रचेज को मूव करोगे बिफोर द अनअफेक्टेड लेग, ठीक है, अनअफेक्टेड लेग के, क्योंकि उसको आपको सपोर्ट देने की जरूरत है ना, जब आप नीचे उतर रहे हो तो आपको सपोर्ट देने की जरूरत है। उसमें आप क्या कर रहे हो दोस्तों, दोनों को आपने क्रचेज रख दी, फिर आपके अनअफेक्टेड लेग उन क्रचेज के साथ लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे अनअफेक्टेड लेग को लेके चले गए तो वो तो आदमी गिर जाएगा उससे, तो पहले उसको रख के और फिर साथ में किसको लेके जाते हैं दोस्तों, हम अनअफेक्टेड लेग को लेके जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी लीनिंग एक्जिला ऑन द क्रचेज टू सपोर्ट द बॉडी वेट, ठीक है। थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, मैं मानता हूँ इस बात को, हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख लो, देखो क्रैचेज में पूरा वेट एक्जिला पर नहीं देना चाहिए, एक्जिला पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी कर सकता है, क्योंकि यह ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी कर सकता है, ठीक है। ये सारी वीडियो जो मैंने बनाई है ना, ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने वीडियो देख के बनाई है कि भाई उसमें कैसे चल रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको जो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन था उसमें अगर आपको ऐसे लिखना हो कि भाई आप पहले उसको रखोगे क्रचेज को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बोथ क्रचेज, फिर उसके बाद में लिख लो वीकर लेग, ऐसे भी लिख सकते हो बोथ क्रचेज वीकर लेग और फिर उसके बाद गुड लेग, ठीक है। आप अगर उस तरीके से लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो उसको, मैंने दोनों को साथ लिखा है कि भाई बोथ क्रचेज एक्चुअली उसके साथ ही लेके जाते हैं, जैसे उनको रख दिया तो उनके साथ में उसको रख लेके जाते हैं, फिर हम जो हमारे जो गुड लेग उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वैसे भी लिख सकते हैं उसको। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हमें एक साथ ही ले जाना पड़ता है उनको, ऐसे नहीं करते हम कि भाई उसको रख दिया फिर लेग जा रही है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। व्हेन कंप्लीटिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट द नर्स डिटरमाइंस दैट ए क्लाइंट हैज ए पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट, एक क्लाइंट है दोस्तों पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, तो रोमबर्ग टेस्ट किस चीज को शो करता है। देखो रोमबर्ग टेस्ट होता क्या है, रोमबर्ग टेस्ट का मीनिंग ये होता है दोस्तों, ये प्रोप्रियोसेप्शन, एक एक लाइन में अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा तो देगा ही नहीं वो, सिंपल से मान लो ऐसे दे दे कि किस चीज के लिए करते हैं, तो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए करते हैं हम, ये हम क्या देखते हैं प्रोप्रियोसेप्शन देखते हैं उसमें। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमें हमारी खुद की बॉडी का क्या होना, आभास होना कि भाई हम सीधे खड़े हैं या नहीं खड़े, इसका जो बैलेंस होना दोस्तों हमें पता होना, ये क्या कहलाता है प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है, कि हम उसका क्या करें इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम उसका, कि हमारी जो बॉडी है दोस्तों वो है या नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस है ना उसको शो करता है प्रोप्रियोसेप्शन। देखो तो स्पेस के अंदर जो हमारी जो बॉडी की एग्जिस्टेंस है वही क्या कहलाती है प्रोप्रियोसेप्शन कहलाती है। उसमें क्या करते हैं, पहले क्लाइंट है वो आएगा, उसको कहेंगे आप खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाएगा, फिर उसको कहेंगे खड़े होकर देखो आप देखो कोई दिक्कत हो रही है, फिर उसको थोड़ा सा चलवाएंगे, फिर वो कहेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको कहेंगे आपको क्या कर लो आप बंद कर लो, फिर वो आइज को क्लोज कर लेता है, आइज को क्लोज करने के बाद में फिर अगर वो बैलेंस बना के रख सकता है आपको क्लोज करने के बाद में, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो रोमबर्ग टेस्ट है वो क्या है पॉजिटिव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आंखों को बंद करने के बाद वो ऐसे गिर रहा है इधर गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट कहलाएगा। तो ये किस चीज को शो करता है कि उस पर्सन में क्या है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट क्या है, इन एबिलिटी टू स्टैंड विद फिट टुगेदर व्हेन आईज आर क्लोज्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा कि पर्सन जो है वो खड़ा नहीं रह पाता जब उसकी आंखें क्या रहती है दोस्तों क्लोज रहती है, ठीक है। देखो आपको इमेज दिखाता हूं,
ये देखो ये इमेज है, ये पर्सन इसमें यहाँ पर सीधा खड़ा है, फिर आइज को ओपन कर रखा है, फिर आइज को क्लोज किया तो ये सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रोमबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? रोमबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो पहले, फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फैनिंग ऑफ द टोइज व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज फ्रीमली स्ट्रोक्ड। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई ये होता है एक्चुअली में, ये बॉबिन्स की रिफ्लेक्स है। ये क्या है? बॉबिन्स की रिफ्लेक्स है, जो ये बता रहा है कि फैनिंग ऑफ द टोज व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज फ्रीमली स्ट्रोक्ड, दिस इज नोन एज बॉबिन्स की रिफ्लेक्स। बॉबिन्स की रिफ्लेक्स, इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, है ना। शायद एक क्वेश्चन आएगा इस पे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं समझाता हूँ कि क्या करते हैं बॉबिन्स की रिफ्लेक्स में। क्या करते हैं दोस्तों कि ये पर्सन है मान लो, और ये पर्सन का क्या है? फुट है। ये फुट है, तो हम एक हैमर लेते हैं, हैमर नहीं है तो हम पैन लेते हैं, एक ब्लंट पैन लेकर हम इस प्रकार से चलाते हैं लेटरल साइड में, ऐसे चलाते चलाते इसको ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लेके आएंगे तो नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो ये टो होता है ना, बिग टो, इसका क्या होता है? फ्लेक्शन होता है। इसका क्या होता है? फ्लेक्शन होता है, नीचे की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पैर है तो अंगूठा नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? प्लैंटर फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। क्या कहलाएगा? प्लैंटर फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो, अगर जो पर्सन है उसमें ऐसा नहीं हो, अंगूठा नीचे की तरफ जाने की तरफ ऊपर की तरफ जाए, तो ऊपर की तरफ डोर्सल सरफेस है, ठीक है, पैर का ऊपर वाला सिरा डोर्सल, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे डोर्सी फ्लेक्शन बोलेंगे। तो उसमें क्या चीजें होंगी? दो चीजें होंगी, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द टो, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ द टो, टो का डोर्सी फ्लेक्शन होगा। नीचे की तरफ मुड़ने की जगह वो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। साथ में बाकी के जो अदर टोज हैं वो ऐसे फैल जाएंगे, तो अदर टोज फैनिंग, अदर टोज के अंदर क्या होगी? फैनिंग मतलब वो स्प्रेड हो जाएंगी, फैलेंगी, ऐसे चिपकी नहीं रहेंगी, ठीक है। जो टो है, जो ये मान लो पैर है मान लो, तो ये टो है, ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और बाकी के जो टोज हैं, बाकी के जितनी भी आपकी पैर की उंगली हैं, वो ऐसे फैल जाएंगी, तो इसे बोलते हैं फैनिंग हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। देखो आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखो, ये इमेज दिख रही होगी यार आपको शायद, तो ये देखो एक बार, नहीं दिख रही है तो ये देखो। तो इसमें क्या हो रहा है? ऐसे इस प्रकार से हम लेके जा रहे हैं, जब हम लेकर जा रहे हैं दोस्तों तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? इसमें नेगेटिव हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये अगर ऊपर की तरफ जाए, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये जो अंगूठा है इसका, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है पर्सन का। और बाकी जो टोज है ना दोस्तों, वो फैल रही है, तो उनकी क्या हो रही है? फैनिंग हो रही है। क्या हो रही है? फैनिंग हो रही है। तो इसका फैनिंग होगा, इसका क्या होगा? डोर्सी फ्लेक्शन होगा, डोर्सी फ्लेक्शन होगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बॉबिन्स की रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्यों होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो ये बता रहा है, ये रोमबर्ग टेस्ट नहीं है, ये बॉबिन्स की रिफ्लेक्स को क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स व्हेन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई जो प्यूपिल है उसका क्या होगा? डायलेशन होगा जब वह फोकस करेगा एक ऑब्जेक्ट का इन डिस्टेंस में। तो भाई डिस्टेंस के ऊपर ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ये होता ही है, ठीक है। अगर आप दूर की चीजों को देखोगे ना दोस्तों, तो क्या होगा? दूर मतलब डायलेशन, दूर मतलब डायलेशन, और क्लोज मतलब पास, पास मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, क्लोज मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, दूर मतलब डायलेशन। तो ये होता है, ये इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है जब हम फोकस करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट पे। हम फोकस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? आपका डायलेशन होगा। पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और साथ में अगर ब्राइट लाइट अंदर एंटर करेगी तो भी क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। नेक्स्ट जो देखा दोस्तों, देखा मूवमेंट ऑफ द आईज टुवर्ड द ऑपोजिट साइड व्हेन हेड इज टर्न, कि आई का मूवमेंट होगा ऑपोजिट साइड में जब हम हेड को क्या करते हैं? टर्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनो कि जैसे मान लो मैं इधर टर्न कर रहा हूँ ना, देखो आप देखो खुद ही मेरी आंखें हैं ना, इधर जाएंगी, जो आई बॉल मूवमेंट है वो इधर होगा। जब इधर टर्न कर रहा हूँ तो ये इधर आ गई, ठीक है, और इधर टर्न करूंगा तो ये इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्मल है ये। तो मूवमेंट ऑफ द आईज होता है टुवर्ड द ऑपोजिट साइड व्हेन हेड इज टर्न, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम ओक्यूलोसिफेलिक, ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, या इसे हम डोल्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं, डोल्स आई रिफ्लेक्स। देखो एक बार इमेज दिखा देता हूँ, हो सकता है उसे समझ में आ जाए, वैसे तो मैंने खुद ही समझा दिया आपको। तो राइट साइड में ये नॉर्मल है, जब हम इसका राइट साइड में हेड को टर्न करेंगे
ठीक है, जब हम इसको राइट साइड में हेड को क्या करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये जो ये आईज हैं ये किधर जाती हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड जाती हैं, और जब लेफ्ट साइड करते हैं तो ये किधर जाती हैं, राइट साइड जाती हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इनएबिलिटी टू स्टैंड विद फुट टुगेदर व्हेन आईज आर द क्लोज्ड। ठीक है, तो लिखो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट एक नॉर्मल फाइंडिंग टेस्ट, एक नॉर्मल फाइंडिंग है जिसमें पर्सन खड़ा हो सकता है, इसमें खड़ा होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना, ये उल्टा है इसमें, कहीं आप पॉजिटिव मतलब ये समझ लो। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट एक नॉर्मल फाइंडिंग है जिसमें पर्सन आंखें क्लोज करके सीधा खड़ा हो सकता है, आंखें क्लोज करके सीधा खड़ा हो सकता है। नेगेटिव में नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेगेटिव रोमबर्ग टेस्ट में नहीं हो पाता। ठीक है, मेरे को लिखाना जरूरी था ये पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे क्योंकि मैंने आपको करवा रखा है ये। ठीक है, इसमें देखो, व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जब हम एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं क्लाइंट का, ए नर्स आइडेंटिफाइज दैट द क्लाइंट हैज ए डायलेटेड राइट प्यूपिल। ठीक है, तो दोस्तों प्यूपिल का है ना, मैंने नहीं भी बताया हो तो लिख लेना, शायद मैंने बताया नहीं बताया, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने में ओक्यूलोमोटर हेल्प करती है, ओक्यूलोमोटर। ठीक है, शायद मैंने वहां लिखा है नहीं आपको, तो लिख लो कि ओक्यूलोमोटर जो नर्व है दोस्तों वो प्यूपिल का क्या करवाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। तो अगर प्यूपिल मान लो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है, डायलेटेड हो गया, तो कौन सी नर्व के अंदर प्रॉब्लम है, कौन सी नर्व की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कि प्रॉब्लम कौन सी ग्रेनियल नर्व की होगी, भाई ओक्यूलोमोटर की होगी। और ओक्यूलोमोटर जो होती है दोस्तों कौन सी ग्रेनियल नर्व होती है, थर्ड ग्रेनियल नर्व। बस इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है ओक्यूलोमोटर होती है, जो कि क्या करवाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। क्या करवाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन में ये हेल्प करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड, बस लिख लो, थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर होती है जो कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, मायोसिस करवाती है। बस बहुत है इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हुज माउथ इज ड्रोन ओवर टू द लेफ्ट। ठीक है, माउथ जो है ना ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ, पिच लेफ्ट साइड में गिर गया नीचे की तरफ। ठीक है, एक साइड का जो माउथ है दोस्तों, लेफ्ट साइड का जो माउथ है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, आप बेल्स पाल्सी में देखते हो ना ऐसे। द नर्स शुड कंसिडर डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व टू बी द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्लाइंट फाइंडिंग। बच्चे गलती क्या कर देते हैं इसमें, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ले लेते हैं, उसमें उल्टा सिस्टम होता है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का राइट में। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि जो फेशियल जो नर्व है दोस्तों, वो फेशियल जो नर्व सातवीं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से तो क्यों अराइज हो नहीं रही है, तो लेफ्ट साइड में अगर ड्रॉप हो रहा है फ्लूड, तो लेफ्ट जो फेस जो है वो लेफ्ट साइड में अगर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरफ के सेंसेशन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ऐसे मान लो आप, तो ठीक है, और तो लेफ्ट साइड की ही फेशियल नर्व क्या होगी, डैमेज होगी। और अगर राइट साइड में हो रहा है तो राइट साइड की ही फेशियल नर्व क्या होगी, डैमेज होगी। तो सिंपल सी बात है, फेस के जो एक्सप्रेशन देने का जो काम कर रही है वो कौन सी कर रही है, फेशियल नर्व कर रही है। और अगर उसके एक्सप्रेशन नहीं हो आ रहे हैं दोस्तों, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, फेशियल। तो आंसर तो इन दोनों में से आएगा, लेफ्ट और राइट। एब्डोसेंस तो वैसे भी आई मूवमेंट करवाती है, और ट्राइजेमिनल का भी यहाँ पे से लेने देना नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब दोनों में से ढूंढना है, तो मैंने आपको बताया है कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो हो नहीं रही कि आपका ऑपोजिट आप कर दोगे, ये गड़बड़ कर दोगे, तो ऐसा मत करना। तो लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो लेफ्ट फेशियल नर्व क्या होगी दोस्तों, इसमें डैमेज होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट फेशियल नर्व आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत आपको है नहीं, बस इतना याद रखना। तो लिखो, अगर फेस
इसी लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, अगर फेस लेफ्ट साइड में ड्रोन ओवर हो रहा है, अगर फेस लेफ्ट साइड में ड्रोन ओवर हो रहा है, मतलब इमोशन खत्म हो गए हैं उधर के कुछ, मतलब कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो इमोशंस नहीं दे पा रहा है, उसके जो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वो ड्रोन ओवर हो गया है तो यह लेफ्ट फेशियल नर्व की इंजरी को सजेस्ट करता है। लेफ्ट फेशियल नर्व इंजरी को सजेस्ट करता है। बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं ना। अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद में कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। आफ्टर ए ब्रेन अटैक, एक ब्रेन अटैक के बाद में एक क्लाइंट इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीट और कोल्ड एंड शार्प और डल सेंसरी स्टिमुलेशन, व्हाट लोब ऑफ द ब्रेन शुड द नर्स कंक्लूड इज लाइकली अफेक्टेड। ठीक है, एक पर्सन है दोस्तों, उसको ब्रेन अटैक आया, ब्रेन अटैक आने के बाद में वो ये नहीं पहचान पा रहा कि ये गर्म है कि ठंडा है, ये चीज़ शार्प है या डल है, ठीक है, पैनी है या फिर ब्लंट है, तो कौन सा लोब उसका अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, उसका कौन सा लोब जो है क्या हुआ होगा दोस्तों, अफेक्ट हुआ होगा। तो हमारे ब्रेन का जो मेजर जो पार्ट है ना, वो कौन बनाता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स और एक लेफ्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स। इनको जोड़ने का जो काम करता है, राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है उनको जोड़ने का जो काम करता है, वो करता है आपका कार्पस कैलोसम करता है। और इनको अलग करने का जो काम करता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट बताया है तो अलग तो होंगे ही ना, और ब्रेन के अंदर तो जुड़े हुए तो हैं ये, तो अलग करने का काम करता है दोस्तों, वो करता है फेलेक्स सेरिब्री। ठीक है, कौन करता है, फेलेक्स सेरिब्री करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। जब हम सेरिब्रल कोर्टेक्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक कोर्टेक्स या सेरिब्रम के हम दो पार्ट देखते हैं, सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। अब सेरिब्रम के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट होता है दैट इज कोर्टेक्स, और एक जो पार्ट होता है दोस्तों दैट इज मेडुला। कोर्टेक्स जो होता है वो सेल बॉडी से बनता है, कोई भी न्यूरॉन जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं ना, ये सेल बॉडी है जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, और ये क्या होता है दोस्तों, उसकी एक्जोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्जोन। तो कोर्टेक्स जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, जबकि मेडुलरी जो पार्ट है दोस्तों वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपका एक्जोन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो सेल बॉडीज है दोस्तों वो कौन सा कलर देती है, आपका ग्रे कलर देती है, तो ये ग्रे मैटर भी कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रे मैटर। और ये कौन सा कलर देती है, एक्जोन, व्हाइट कलर देती है, इसलिए इसे हम व्हाइट मैटर भी बोलते हैं, व्हाइट मैटर। ये हम किस नाम जानते हैं, व्हाइट मैटर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रम के अंदर लोब पाए जाते हैं। सेरिब्रम मतलब ऐसे मत समझना कोई खतरनाक चीज है, अभी समझाता हूँ, देखो एक वो दिखा दूंगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक इमेज दिखाऊंगा। कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अभी हमने देखा था ये सेरिब्रम है, ये वाला जो पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेरिब्रम है, दिस इज सेरिब्रम। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये क्या है दोस्तों, सेरिब्रम है, दिस इज सेरिब्रम। इसको जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोसम करता है, सेपरेट करने का काम करता है ये फेलेक्स सेरिब्री करता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम। अब इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं दोस्तों, लोब पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट है ये फ्रंटल लोब है, इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये पैराइटल लोब है, ये पीछे की तरफ जो पार्ट है दोस्तों ये ऑक्सीपिटल लोब है, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या है, आपका टेम्पोरल लोब है। तो चार लोब होते हैं इसके अंदर, कितने लोब होते हैं, चार लोब हो गए। कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक जो लोब हो गया दैट इज फ्रंटल लोब, एक जो लोब हो गया दैट इज पैराइटल लोब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, मैं आपको समझाऊंगा। एक जो लोब हो गया आपका दैट इज टेम्पोरल लोब, और एक जो लोब हो गया आपका दैट इज ऑक्सीपिटल लोब। अब समझो इसको, देखो आज के बाद ये याद रखना कि हम देखते पीछे से हैं,
कहां से देखते हैं? पीछे से देखते हैं। इस लाइन को रट लो कि हम कहां से देखते हैं दोस्तों, पीछे से देखते हैं। तो ऑक्सीपिटल जो लोब है दोस्तों, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। किसके लिए जरूरी होता है दोस्तों? विजन के लिए जरूरी होता है। तो कौन सा लोब विजन के लिए जरूरी होता है दोस्तों? ऑक्सीपिटल लोब। याद रखना कौन सा लोब जरूरी होता है? ऑक्सीपिटल जो लोब होता है वो विजन के लिए क्या होता है दोस्तों? जरूरी होता है। इसके बाद दो लोब बचे आपके, एक पैराइटल और एक टेम्पोरल। तो पैराइटल में आप याद रखना प्राइमरी गर्ल स्कूल, आपको मैं शॉर्ट ट्री बताऊंगा फिर आप भूलोगे नहीं, प्राइमरी गर्ल स्कूल, प्राइमरी गर्ल स्कूल। और उस स्कूल के अंदर एक तव्वा है तो उसको बोलेंगे हम TAWO। राजस्थानी में तव्वो बोलते हैं ना, तव्वो या ताओ, याद रख लो आप जैसे भी याद रखना चाहो, TAWO याद रख लो बस भाई, बहुत जरूरी है, नहीं भूल जाओगे। बार बार मुझे पता है आप पढ़ते हो और भूल जाते हो, लेकिन आप नहीं भूलोगे आप कभी भी। टेम्पोरल लो में याद रखो आप ताओ या तव्वो, और यहाँ पर स्कूल कौन सी है? प्राइमरी गर्ल स्कूल है। प्राइमरी का मतलब पी, पी मतलब पैराइटल लोब, ठीक है। अब दो चीज आ गई, एक जी आ गया और एक एस आ गया, तो ध्यान रखना जी मतलब गैस्टेट्रिक, गैस्टेट्रिक मतलब क्या होता है दोस्तों? टेस्ट। तो कोई पूछे आपसे टेस्ट देने का काम कौन सा लोब करता है, तो पैराइटल लोब करेगा। यहाँ पे कौन सा लोब करता है दोस्तों? पैराइटल लोब रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में एस आ गया, एस का मतलब होता है दोस्तों सोमेटोसेंसरी लोब, सोमेटोसेंसरी, सोमेटोसेंसरी एक्शन करता है। सोमेटोसेंसरी का मतलब दोस्तों ये गैस्टेट्री सेंटर हो गया, ये विजुअल सेंटर हो गया इसका, ये सोमेटोसेंस। सोमेटोसेंसरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि आप कोई भी चीज, चाहे वो वाइब्रेशन हो, चाहे वो पेन हो, ठीक है, चाहे वो आपका टच हो, इन सब चीजों को, ब्लंट है, हीट है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, टच है, ठीक है, इन सब चीजों को हम फील किसके द्वारा करते हैं? सोमेटोसेंसरी के द्वारा करते हैं। तो टेम्परेचर को, टेम्परेचर, टच को, वाइब्रेशन को, तो इन सब चीजों को फील करना ये क्या कहलाता है दोस्तों? सोमेटोसेंसरी सेंटर कहलाता है। तो ये काम किस, कौन से लोब में होता है? पैराइटल लोब के अंदर होता है, जो कि इस क्वेश्चन में ये यही कह रहा था कि उसको गर्म ठंडे का नहीं पता, टच का नहीं पता, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि ब्लंट है या शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डल है या शार्प ऑब्जेक्ट है, ये नहीं पता। तो उसको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों? पैराइटल लोब के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अब आप बोलोगे कि इससे प्राइमरी गर्ल स्कूल से आपको याद रहेगा भाई गैस्ट्रेटरी और एक सोमेटोसेंसरी। अब तव्वो पे आ जाओ, TAWO, तो TAWO, तो टी फॉर तो कुछ याद नहीं रखना, टेम्पोरल, टेम्पोरल। ओ फॉर ऑडिटरी, सुनने का काम, क्या याद रखना है बताओ आपको? ऑडिटरी हो गया। ओ फॉर ऑप्टिक, देखने का काम, सॉरी ऑप्टिक नहीं, ऑप्टिकली, ओल्फैक्टरी, 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 स्मेल का काम, ठीक है, ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल का काम। स्मेल भी आ गया, ऑडिटरी भी आ गया, विजन तो आप भूलोगे नहीं, ओ फॉर ऑप्टिक तो भूलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये किस में है? बैक साइड में, तो ऑक्सीपिटल लोब में है। तो ओल्फैक्टरी स्मेल का काम। और एक आता है दोस्तों आपका वर्निकेज, वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया, डब्ल्यू फॉर वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया। अब इस एरिया में क्या होता है, मतलब आपके द्वारा बोले गए जो शब्द है ना उनको समझा जाता है, हम बोल नहीं रहे हैं, आपके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं दोस्तों उनको क्या किया जाता है? समझा जाता है, ठीक है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? कि भाई आप क्या शब्द बोल रहे हो उनको क्या करना? समझना, कि आपको क्या शब्द बोलना है उन शब्दों को समझना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया कहलाता है। ध्यान रखना बोलने के लिए जो चाहिए वो कौन सा चाहिएगा? ब्रोकाज एरिया। लेकिन आप बोलने से पहले समझोगे भी तो सही ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। तो कोई पूछे भाई ऑडिटरी, सुनने का काम कौन से लोब से होता है? टेम्पोरल से होता है। सुनने का काम किससे होता है? टेम्पोरल से होता है। और वर्निकेज सेंसरी स्पीच जो एरिया है वो भी कहाँ होता है दोस्तों? टेम्पोरल के अंदर ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल जो लोब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब के अंदर कई सारे एरिया क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं। एक जो एरिया प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब के अंदर, दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया। फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। जितने भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जितने भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं दोस्तों, जितने भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको करवाने का काम जो करवा रहा है दोस्तों, ये प्राइमरी मोटर एरिया ही करवाता है। इस प्राइमरी मोटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए एक एरिया और होता है जिसे हम प्री, प्री मोटर एरिया कहते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? प्री मोटर एरिया के नाम से जानते हैं। ये कुछ नहीं करता, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसको क्या करता है दोस्तों? सपोर्ट करता है हमारी बॉडी के, हम वॉलेंट्री मसल्स को जिसको भी कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं ना, तो वो कौन सा लोब काम करता है? अपना फ्रंटल लोब काम करता है। आपका कौन सा लोब काम करता है दोस्तों? फ्रंटल लोब काम करता है। और फ्रंटल लोब के अंदर कौन सा एरिया करता है? प्राइमरी मोटर एरिया करता है। उसको सपोर्ट कौन देता है दोस्तों? प्री मोटर एरिया देता है। एक और होता है इसके अंदर, प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल
एरिया। ये प्रीफ्रंटल जो एरिया है ना दोस्तों, ये आपकी थिंकिंग में जजमेंट में JUDGE जजमेंट में और रीजनिंग में हेल्प करता है, और रीजनिंग में, ठीक है। थिंकिंग, जजमेंट और रीजनिंग का कारण पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, आपका प्री फ्रंटल एरिया, या फिर कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट होता है ये, फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। अब एक एरिया बच गया बोलने के लिए, तो ब्रोकाज स्पीच एरिया, ठीक है। अब जो बोलते हो ना उस समय कौन सा एरिया काम आता है आपका, ब्रोकाज स्पीच एरिया, जो आप मसल्स को मूवमेंट करवाते हो, आई जो आपकी जो टंग है उसको मूवमेंट करवा के आप जो बोलते हो उसमें कौन सा एरिया काम आता है दोस्तों, आपका ब्रोकाज स्पीच एरिया। तो चारों एरिया आपको याद रखने हैं, एक है प्राइमरी मोटर एरिया, उसको सपोर्ट करने के लिए प्री मोटर एरिया, एक है आपका प्री फ्रंटल एरिया जो कि थिंकिंग, जजमेंट और रीजनिंग में हेल्प करता है, और एक आपका ब्रोकाज स्पीच एरिया जो कि स्पीच में काम आता है। आपने सोच लिया उससे पहले वो वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया था, लेकिन आपने बोला सोचकर, उसके लिए क्या है दोस्तों, आपका ब्रोकाज स्पीच एरिया होता है। तो ऐसे है कि अंडरस्टैंडिंग द वर्ड तो वहां पर वर्निक के जाएगा, लेकिन बोलना यहां पर यह आएगा। चलो आप आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो, एक ब्रेन अटैक हुआ एक क्लाइंट के अंदर, अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट और कोल्ड और शार्प और, ये मतलब सोमेटोसेंसरी की बात कर रहा है ये, सोमेटोसेंसरी। अब सोमेटोसेंसरी का मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, प्राइमरी गर्ल स्कूल, तो स्कूल ये कौन से एरिया में है दोस्तों, ये पैराइटल लोब के अंदर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैराइटल लोब। तो लिखो पैराइटल लोब में सोमेटोसेंसरी एरिया होता है जो कि हमें टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता, फील करवाता है, जो कि हमें, क्योंकि वो तो हाइपोथैलेमस करता है ना, जो कि हमें टेम्परेचर, टच एंड वाइब्रेशन को फील कराता है, पेन को भी फील करवाता है ना, पेन को भी करवाता है, वाइब्रेशन फील करवाता है। अब ये मत कह देना सर बाकी के क्यों नहीं आ रहे, तो ये सारे मैंने बता दिए आपको, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है हमारी, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी था। एक क्लाइंट एक्सपीरियंस द ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, एक क्लाइंट को दोस्तों ब्रेन इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, आगे मैं आपको कहीं पढ़ाऊंगा भी इसको। विच फाइंडिंग आइडेंटिफाइड बाई द नर्स इंडिकेट्स डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन, मैंने आपको बताया था ना। देखो दोस्तों, ब्रेन से लेकर और स्पाइनल कॉर्ड तक का तो पूरा जो सिस्टम होता है इसे हम कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। सिर्फ किस नाम जानते हैं, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो ब्रेन से आते हैं और ब्रेन से आकर स्पाइनल कोर्ट तक पहुंचते हैं, इन्हें हम अपर मोटार न्यूरोन के नाम से जानते हैं, अपर मोटार न्यूरोन के नाम से जानते हैं। दूसरे ऐसे न्यूरोन होते हैं जो कि यहां से उठकर स्पाइनल कोर्ट से आके जो टारगेट जो ऑर्गन है, जहां पर मतलब मसल्स हैं, यहां पे काम करवाना है, तो वहां तक पहुंचते हैं दोस्तों, इन्हें हम लोअर मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम जानते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी लीजन होता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कोर्टो स्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर, मतलब ब्रेन से यहां तक इस ट्रैक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण दोस्तों बॉबिन्स रिफ्लेक्स आता है। उसके अंदर कौन सा आता है, बॉबिन्स की रिफ्लेक्स आता है, ये ध्यान रखना। बॉबिन्स की जो रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है। अब बॉबिन्स की रिफ्लेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द बिग टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर टो। अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ये दिखा रहा है कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम है या लीजन है। लीजन भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है, लीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसके कई सारे क्या हो सकते हैं दोस्तों, कारण हो सकते हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंट होता है मतलब बॉबिन्स की रिफ्लेक्स, जैसे ब्रेन ट्रोमा के अंदर या ब्रेन इंजरी जो है उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। स्पास्टिक सेरिब्रल जो पालसी है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मेनिनजाइटिस में भी प्रेजेंट होता है, मेनिनजाइटिस जो है उसमें भी प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है दोस्तों उसमें भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है उसके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कई सारे जैसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी है उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो स्ट्रोक है उसमें भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे कई सारी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर अगर बॉबिन्स की रिफ्लेक्स क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है। और बॉबिन्स की रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो वो दिखाता है कि अपर मोटार जो न्यूरॉन है दोस्तों वो क्या हुए हैं, डैमेज हुए हैं या उनमें क्या हुई है दोस्तों, इंजरी हुई है। तो चलो देख लो, अब इसमें हमें वही ढूंढना है मेनली बस, ठीक है। बॉबिन्स की जो रेस्पॉन्स है दोस्तों वो उसको क्या करता है, शो करता है। ट्राउजेव जो साइन है दोस्तों ये किसके अंदर आता है, ये आपका हाइपोक्लाइसेमिया में आता है, हाइपोकैल्सीमिया में आता है, जिसके अंदर हम बीपी कप लगाते हैं, 20 mmHg से ज़्यादा लेके जाते हैं। फिर मैंने आपको पूरा समझा रखा था ऐसे करके, ये करते हैं ये करते हैं, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्राउजेव साइन के नाम से हम उसे जानते हैं। इसके बाद है दोस्तों इसमें ये कह रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एब्सेंट रिफ्लेक्स नहीं होते, लोअर मोटर न्यूरॉन में होता है तब रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अपना काम पहुंचा रहा है ना वहां तक, उसके बाद में नहीं हो पा रहा तो वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये हाइपर रिफ्लेक्सिया कोज करता है, ये क्या कोज करता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया कोज करता है, न कि एब्सेंट रिफ्लेक्स। और अगर हम फ्लैसिड मसल की बात करें तो ये फ्लैसिड मसल नहीं करवाता, मसल्स की जो टोन है दोस्तों उसको क्या करवाता है, इंक्रीज करवाने का काम करता है, कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर डैमेज होगा तो ये टोन को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बॉबिन्स की रिफ्लेक्स। तो बॉबिन्स की रिफ्लेक्स में क्या होता है, देखो बॉबिन्स की रिफ्लेक्स में, बॉबिन्स की रिफ्लेक्स का प्रेजेंट होना शो करता है कि, का प्रेजेंट होना शो करता है कि, शो प्रेजेंट होना अपर मोटर न्यूरोन इंजरी शो करता है, अपर मोटर न्यूरोन इंजरी शो करता है, अपर मोटर न्यूरोन इंजरी शो करता है। चलो एक बार इसको जो क्वेश्चन से है एक बार उनको मैं रिपीट करवा देता हूं। अगर बॉबिन्स की रिफ्लेक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शो करता है अपर मोटर न्यूरोन इंजरी को, तो क्वेश्चन ढूंढना भी बहुत टफ होगा। सोमेटोसेंसरी अगर एरिया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शो करता है कि भाई पैराइटल जो लोब है उसके अंदर क्या हुई है, प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो क्या आता है आपका, कि अगर लेफ्ट साइड में ड्रॉविंग ओवर हो रहा है तो ये दिखाएगा लेफ्ट पेशेंट नर्व को, अगर राइट साइड में हो रहा है तो राइट पेशेंट नर्व को शो करता है। और कौन सी नर्व प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, तो थर्ड करवाती है, तो अगर थर्ड में प्रॉब्लम होगी तो डायलेशन होगा। पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट जो होता है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि पर्सन है वो आंखें बंद करके खड़ा नहीं हो पाता है, तो वो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट कहलाता है। और क्रैच वॉकिंग में हमें ध्यान देना होगा कि हम पूरा फोर्स किस पे नहीं लगाएं, एक्जिला पे नहीं लगाएं, क्योंकि एक्जिला पे फोर्स लगाने के कारण क्या हो सकता है उस पर्सन को क्या हो सकता है दोस्तों, उसे ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, मसल्स में पेन फील होता है, और जो हेमिप्लेजिया है उसमें पैरालिसिस हो जाता है वन साइड ऑफ द बॉडी में। और लास्ट शायद सेकेंड लास्ट होगा, एक सेकेंड, अरे यार ओके नहीं रहा, चलो पहला क्वेश्चन बता देता हूँ फिर दूसरे पे आ जाएंगे, हमें तो रिवाइज करना है वैसे भी, आज ज़्यादा पेज हो गए ना इसलिए थोड़ा ये भी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो इससे शो करता है इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को, और ये शायद क्रेनियल नर्व से रिलेटेड था। दूसरा जो लास्ट दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि हम स्मेल नहीं कर पाते हैं कॉफी को, तो कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट हुई होगी आपकी, सेकंड जो क्रेनियल नर्व वो क्या हुई होगी, इफेक्ट हुई होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैं मानता हूं कि जो क्रैच वॉकिंग वाला है उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा हल्का सा, तो उसको आप एक बार अर्जुन सर की जो क्लास है उसको जरूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। ये टॉपिक जो है एक्चुअली में ये टाइम टेकिंग टॉपिक है, मुझे भी अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन इतनी ही देर में समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी हमने पूरी कोशिश की है, नर्वस सिस्टम को आज हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको आगे तक लेके जाएंगे और जब तक खत्म करेंगे तब तक हम हर चीज़ इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, थैंक यू सो मच।